उत्पादों जैसे कि बेड़ी सिगरेट खैनी जर्द इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बेड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा इतना टार आपको बीमार बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है मिलर निर्देशक और लेखक के रूप में कुछ भी नया नहीं दे पाए 70 और 80 के दशक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बचपन को खूब दिखाया जाता था पिता को ईमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चौराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्य में जैते में दोहराया गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो वीर यानी जॉन अब्रहम यंगरी यंग मैन है वह भ्रष्ट पुलिसकर्मी को चुन चुनकर जला देता है पुलिस विभाग में हलचल मच जाती है पुलिस इंस्पेक्टर शिवान यानी मनोज बाजपेयी को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुश्मन को ढूंढ निकाले बीर को जब यह पता चलता है तो वह सिवानश को फ़ोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनौती देता है सिवानश के साथ एक सूत्र लगता है जिससे वह उसको पकड़ने के करीब पहुंच जाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर यह हत्या क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमज़ोर पहलू यह है कि जब यह राज खुलता है कि बीर हत्या क्यों कर रहा है तो, तो उस घटना में और वीर द्वारा दी गई हत्याओं में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता वीर को जब पता था कि उसका दुश्मन कौन है तो उसी आदमी को ख़त्म कर सकता था वह ढेर सारे पुलिस ऑफिसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोड़ने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी लॉजिक के हिसाब से सही नहीं है शुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लॉजिक का साथ छूटने लगता है तो फिल्म का ग्राफ नीचे की ओर तेज़ी से आने लगता है और आखिरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुचि नहीं रह जाती वीर के लिए बड़े पुलिस ऑफिसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है सारे आम पेट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुस वह अपना काम कर जाता है दूसरी ओर शिवानस को काबिल पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है लेकिन वह असहाय ही नज़र आता है वीर का शिवानश को फ़ोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टक्कर दिखानी थी इसलिए बात डाल दी गई मिलन मिलाप जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं, उन्हें स्टाइलिश बनाया जाए भले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल संवादों का है सीन में किसी भी तरह संवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्शन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालांकि इनमें कई इनमें नई बात नहीं है लेकिन जॉन अब्राहम को एक्शन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अब्राहम का चेहरा पूरी फिल्म में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पोल खुल जाती है मनोज वाजपेयी अब एक जैसा अभिनय करने लगे हैं बागी टू का ही एक्सटेंट सत्य में जैते में नजर आता है नई हीरोइन आयशा शर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हीरोइन होना चाहिए आयशा का अभिनय निराशजनक है सत्य में जैते के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रह जाए तो अच्छा है किसी ज़माने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्षय कुमार और जॉन अब्रहम अब क्रमशः सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि वेलकम फ्रेंचाइजी में अक्षय की जगह जॉन के लेने के बाद से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है आखिरी बार फिल्म डिसोम में एक साथ नजर आए दोनों कलाकार देसी बॉयज गर्म मसाला और हाउसफुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बल्कि आमने सामने थे जहाँ अक्षय कुमार हॉकी खिलाड़ी और कोच तपन दास की बायोपिक के साथ पंद्रह अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के पास सत्य में जाते थे इस फिल्म की कहानी बेहद सरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को झूठे करप्शन के आरोप में फंस कर आत्महत्या करते देखने वाले वीर अनिजोन ब्रह्म का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौजूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिंदा जलाकर वो सत्य की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डी सी पी सुहांस ने मनोज वाजपेयी को काम पर लगाया जाता है और चूहे बिल्ली के खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मिलन मिलाप जाफेरी पहले इससे पहले मस्ती ग्रैंड मस्ती और एक विलन जैसी फिल्में बना चुके हैं ऐसे में देशभक्ति के साथ उनका यह एक्सपेरिमेंट हैरत करता है हालांकि देशभक्ति फ़िल्मों के एक्सपर्ट मनोज वाजपेयी एल ओ सी कारगिल नाम सवाना अयारी स्पेशल छब्बीस और जॉन अब्राहम मद्रास कैफे परमाणु फोर्स इस फिल्म में मौजूद हैं आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप नाइन्टीज़ के एक्शन सिनेमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मोल प्लॉट में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इस बैग का हैंग हाँ और आपको दिखाई देगा लेकिन क्योंकि मिलन ने ए, मिलन को इससे पहले देशभक्ति फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फ़िल्म बिखरने लगती है फिल्म में नोरा फतेही का दिल गाना अपना काम ठीक से करता है और इस गाने को वो सुपर हिट आ, सुपर हॉट अवतार में हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हालांकि जॉन और मनोज बाजपेयी के डायलॉग सीटी बजाने लायक हैं और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा का मसल पावर आपको कल के जिम के लिए प्रेरित करता है मनोज बाजपेयी फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमज़ोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते जहां हा जहाँ जॉन एक्शन में हिट हैं मनोज बाजपेयी परजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेब्यू कर ही आशा शर्मा अच्छा अभिनय करते हैं और अपने किरदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है फिल्म की प्रडिक्टेबल कहानी हालांकि फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है और अगर आपको परमाणु अच्छी लगी थी तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हालांकि अगर आप लॉजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ये फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मार धाड़ से भरपूर एक एक्शन ड्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कॉन्सेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डायरेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर बेस्ड है बी जॉन जोन एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बीर पुलिस वालों को जलाकर मारता है और मारने के बाद उनका इसकेस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डीसीपी सी पी यानी मनोज बाजपेयी को यह केस दिया जाता है शिवान्श किलर को पकड़ने की कोशिश करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पीछे की कहानी भी है डीसीपी सी पी राठौड़ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो किलर के माइंड में चलते वा, चलने वाले प्लान को क्रैक कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भूल गए हैं इस फिल्म के साथ यही इशू है इसकी शानदार शुरुआत होती है और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत ख़राब हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा ख़राब क्या है फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिग्नेचर डायलॉग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डायलॉग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरियसली लेना इम्पॉसिबल है जॉन अब्राहम हमेशा की तरह समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैवी मसल्स और एटीट्यूड के अलावा वह किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं लगते हैं वह स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभिनय करते हुए दिखते हैं कहानी में हीरोइन सिखा यानी आयशा शर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वह जानवरों की केयर करती है बीच को साफ करती है एन में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आयशा शर्मा ने अच्छा काम किया है मनोज बाजपेयी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है लेकिन फिल्म की बेवकूफ़ियाँ उनके शानदार अभिनय पर भारी पड़ती है अमृता खनबीकर जिन्होंने शिवानश की पत्नी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके अलावा आतिफ असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रैक है बाकी के एल्बम का म्यूजिक भी सूदिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना करें परमाणु की सफलता पर सवार जॉन अब्राहम अब एक्शन थ्रिलर सत्य जयते के साथ हाज़िर थे गुस्से से भरा बैठा एक शख्स कैसे अकेले दम पर करप्शन के खिलाफ लड़ता है इसे सत्यमेव जयते में दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्यमेव जयते सत्यता से मीलो दूर दिखाई देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और अस्सी के दशक की फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की शुरुआत में बीर निजोन अब्रहम एक पुलिस वाले को जिंदा जला देता है और इस घटना के बाद ही फिल्म का प्लाट तैयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठिकाने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर आधारित है फिल्म में जॉन अब्राहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम वीर है और वह एक आर्टिस्ट है वो भ्रष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका स्केच भी बनाता है वीर हर उस जगह पुलिस वाले की जान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिप्त है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर शिवानस यानी मनोज बाजपेयी को दिया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देशभक्ति के कई पाठ पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे बरसों पुराने कॉन्सेप्ट को बेचने की कोशिश में यह फिल्म बेहद नाटकीय लगती है फिल्म की कहानी आज के दौर में प्रासंगिक है लेकिन लचर स्क्रिप्ट और कमर्शियल अंदाज के चलते यह फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है हालांकि जॉन कई एक्शन सीक्वेंस में प्रभावित करते हैं टायर फाड़ते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई है मनोज वाजपेयी इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दृढ़ और अपने दमदार डायलाग से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आयशा शर्मा कैमरे पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई हैं फिल्म परमाणु के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षय कुमार की राह चलने वाले जौन बब्रह अब मसाला देशभक्ति फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलीवरी और एक्शन मसाला फिल्में काफ़ी पसंद हैं तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान्य है संवादों को काफ़ी दमदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वजह से कहानी सुनते वक्त सिलसिलेवार घटनाएं देखना दिलचस्प हो जाता है फिल्म का एक्शन दर्ज जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्शन और संवादों को दर्शाया गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से दर्जती है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है मनोज बाजपेयी एक बार फिर से दमदार एक्टिंग करते नजर आते हैं वही एक्शन के लिए मशहूर जॉन अब्राहम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजर आते हैं मनीष चौधरी और आयशा शर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा से ही एक मसाला फ़िल्म को संपूर्ण एंटरटेनर माना जाता है हालांकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दों पर आधारित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार छाई रही लेकिन इस दौर में फ़िल्मकार भूल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफ़ी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मात्रा में डाले जाने चाहिए इसीलिए कमर्शियल मसाला फ़िल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर्ण मसाला फिल्म सत्यमेव जयते के रूप में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्शन के लिए जॉन अब्राहम हैं अभिनय के लिए मनोज बाजपेयी हैं आइटम सॉन्ग के लिए नौरा फतेह ही हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने का भारतीयों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्य में ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित हरो निजाना अब्राहम हर कथित मुजरिम को माचिस की तिलिया सुलगाते हुए जिंदा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ति के कुछ पाठ पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डायलॉग्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पड़ रहे हैं मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम के किरदार की लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था लेकिन स्क्रिप्ट इस इसमें फेल हो गई सत्य में जैते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अत्य नाटकीय प्रदर्शन के कारण इसमें हजमा हजमा करना मुश्किल हो जाता है जॉन अब्राहम के होने की वजह से आप इसमें अच्छे एक्शन की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 यह काफ़ी भयानक हो जाता है सच यह है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमजोर बनाता है सत्य में जैसे देशभक्ति और सोशल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटरटेनर जरूर है आज भी एक बड़ी ऑडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी जेब ढीली करती है इसके अलावा लंबे वीकेंड का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में यदि आप मसाला एंटरटेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्शन और इसे बढ़ावा दे रहे सिस्टम से की जा रही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्य में जैसे रिलीज हो गई थी फिल्म एक्शन से भरपूर थी फिल्म की शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंट्रोल के बाद ये फिल्म आपको बोझिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है बीरि जोन अब्रह एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे वीर के पिता को एक झूठे करप्शन के केस में फंसा दिया जाता है जिसके कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं अपनी आंखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद वीर की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बीर करप्शन पर करप्शन कर रहे पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डीसीपी सी पी मनोज बाजपेयी की एंट्री और तभी शुरू होता है लुका छिपी का एक खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किए जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं वहीं अगर बात करें मनोज बाजपेयी की तो हर बार की तरह एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद मनोज बाजपेयी की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्ट्रेस आयशा शर्मा ने अपने किरदार को बाखूबी निभाया है डायरेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्शकों पर बहुत अच्छे छाप छोड़ते नज़र नहीं आते हैं फिल्म काफ़ी बिखरी हुई नज़र आती है फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नोरा फतेही का अवतार लोगों को काफ़ी पसंद आया था फिल्म के डायलॉग अच्छे लिखे गए थे ख़ास करके हम बात करें जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के डायलॉग की तो आपको शीर बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यकीन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रिप्ट इस फिल्म देखते वक्त तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्य में जतें मिलाप मिलन जाफेरी द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 के भारती की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है टी सीरीज़ द्वारा निर्मित और वितरित फिल्म शूट आउट एट वाडरा जो कि 2013 में आई थी के बाद जॉन अब्राहम और वाजपेयी के बीच दूसरे सहयोग को ये चिन्हित करती है इसको निर्देशित किया था मिलन मिलाप जाफेरी ने यह लिखी गई थी मिलन मिलाप जाफेरी के द्वारा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तनिष बाजकी रोचक कोहली और को प्रभु मुखर्जी में इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संजय चौधरी ने इस फिल्म का बजट था अड़तीस करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 110 करोड़ रुपए सत्यवे जयते के लिए मुख्य फोटोग्राफी 5 मार्च 2018 को शुरू हुई थी यह 15 अगस्त 2018 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वैश्विक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी पच्चीस सौ स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और अक्षय कुमार अभिनेत्री रीमा कागती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ड से टकरा गई फिर भी सत्यमेव जयते को दर्शकों ने खूब सराहा और ए रेटेड फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन uh, सतमें जैते टू एक स्वीकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतर्क वीरेंद्र यानी वीर राठौड़ की है जो पुलिस अधिकारियों को मारता है एक ईमानदार पुलिस अधिकारी सुवानस राठौड़ को वीर का शिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब शरीर की गिनती बढ़ने लगती है बीर एक पेंटर और चौकीदार है जो भ्रष्ट पुलिस वालों को आग लगाकर मारता है अपनी पहचान उजागर किए बिना वह भ्रष्ट वह भ्रष्टाचारियों का सफाया करने के लिए जनता का समर्थन हासिल करता है और शिखा नामक पशु चिकित्सक के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाता है बढ़ती लाशों की संख्या से चिंतित और अन्य पुलिस को भयभीत देखकर आयुक्त मनीष शुक्ला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए एक ईमानदार अधिकारी सिवांस को बुलाया आवाज़ बदलने वाले एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए वीर सिवांस को फोन करता है और एक भ्रष्ट अधिकारी को जान से मारने की धमकी देता है सिवांस को विश्वास दिलाया जाता है कि एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है जबकि वीर एक पेट्रोल पंप पर लक्षित भ्रष्ट पुलिस वाले को लड़ाता को से लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवानश आगे की जांच शुरू करता है और हत्या के पैटर्न को सत्य में जयते के अनुसार होने का पता चलता है और अगला लक्ष्य वाई अक्षर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है शिवान्श और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी शुरू करती है लेकिन वे हत्यारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं एक पुलिस वाले के रूप में पुले बीर पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है और एक भ्रष्ट पुलिस वाले को प्रताड़ित करता है निर्दोष उसके आग लगाने के के बाद चीख सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए स्टेशन पहुंचता है बीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में शिवान्श को उसके घर पर मिलता है जहाँ वे दोनों भाई होने का खुलासा करते हैं वीर और शिवान्श अस्पताल जाते हैं जहाँ जला हुआ अधिकारी जिंदा पाया जाता है वीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से कमरे में घुस जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है सारन बजने की आवाज़ सुनकर शिवानश कमरे में आता है और दरवाजा खोलते ही एक विस्फोट की चपेट में आ जाता है वीर बाथरूम में लौटता है खुद को घायल पाता है और पीछे से हत्यारे द्वारा हमला किए जाने का नाटक करता है बाद में शिवान्श सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को एक सुरक्षित घर में इकट्ठा करता है लेकिन वीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और शिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खून से लथपथ कर लिया और एक भ्रष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सार्वजनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर द्वारा बंदूक की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है शिवान्श तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुरुषों की पेंटिंग जो मारे गए अधिकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया शिवान्श वीर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिश्नर शुक्ला के साथ सिमांस को बीर में उसी स्थान पर बुलाया जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी शुक्ला की बेटी होने का खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है वीर द्वारा शुक्ला द्वारा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुबान चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फंसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिश्वत देने की अनुमति नहीं दी थी वीर ने खुद को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया पहले इससे पहले कि शुक्ला ने भाइयों को खत्म करने के लिए अपने पुलिस की सेना को बुलाया आगामी लड़ाई में वीर ने पुलिसकर्मियों को मार डाला और शुक्ला को किनारे कर दिया रुकने के के कई अनुरोधों बाद एक अनिच्छुक को को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हालांकि शुक्ला के शरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी ताजा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिखा है सत्य में उजैते एक मरता हुआ वीर उसे जलाता है और शुक्ला को आगे लगाकर आग को आग लगाकर मार देता है शिवांश और शिखाता बीर के पास जाते हैं जो शिवानस को उनके पिता द्वारा सिखाई गई शपथ सुनाने के लिए कहता है वह उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर शिवानस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगस्त दो को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षय कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज़ हुई थी जिसे भारत में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पानियोसा और तजदार ए हराम गाने रिलीज से पहले ही हिट हो गए थे जबकि दिलबर साल का ब्लॉकबस्टर गीत बन गया था फिल्म के लिए संगीत साजिद वाजिद तनिष बागची रोचक कोहली और आरको प्रभो मुखर्जी द्वारा रचित थे जबकि गीत शब्बीर अहमद कुमार आरको प्रभो मुखर्जी दानिश साबरी और इक्का द्वारा लिखे गए थे बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी द्वारा रचित था फिल्म का पहला गीत 1999 की फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मूल रूप से अलका अल्कायनिक द्वारा गाया गया और नदीम सरोट द्वारा रचित इस फिल्म के लिए

फिल्म का दूसरा गीत सा जिसे आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने गाया था 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मूल रूप से साबरी बदल द्वारा रचित और गाया गया था जिसे 26 जुलाई 2018 को वाजिद खान द्वारा फिर से बनाया गया और गाया गया था चौथा और अंतिम गीत तेरे जैसा जिसे आर को प्रभु मुखर्जी और तुलसी द्वारा गाया गया था एक अगस्त को रिलीज किया गया था दो हज़ार अठारह से अगस्त दो को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर भर सा ते ए एहरम तेरे जैसा जिसे गाया था की रोचक कोहली साजिद वाजिद आरखोने ने में जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की शुद्ध कमाई की इस प्रकार जोन अब्राहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया संजू रेस थ्री गोल्ड और बागीटू के बाद 2018 की पांचवी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में क्रमशाह 79.2 मिलियन नाइनटीन पॉइंट थ्री मिलियन और नाइनटीन टू वन एट करोड़ और टेन पॉइंट टू सिक्स करोड़ का शुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन पॉइंट वन मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का आजीवन संग्रह वन थाउजेंड एटी टू पॉइंट वन मिलियन है जिसमें आठ हंड्रेड एट्टी सेवन पॉइंट टू मिलियन का शुद्ध कुल संग्रह शामिल है इसने अपने पूरे दौर में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की थी सत्य जेत्या का विश्व अपी शक्ल वन पॉइंट जीरो ऐट बिलियन था जन अब्रह्म और दिव्या खोसला कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाने के बाद शुक्ल की पुष्टि की गई यह मिलन मिलाप जाफेरी द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिसा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी द्वारा निर्मित होगी सत्यमय जेते टू शीर्षक से तेरह मई दो को रिलीज होने वाली थी अप्रैल दो तक कोविड नाइन्टीन मामलों में वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को स्थगित कर दिया गया फिल्म आखिर पच्चीस नवंबर दो को रिलीज हुई मिलन मिलाप जफेरी ने सत्यमेव जयते नामक फिल्म उस दर्शक वर्ग के लिए बनाई है जो बड़े पर्दे पर सिर्फ माराकूटी देखना पसंद करते हैं उसे कहानी अभिनय निर्देशन या लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्यमेव जयते में मिलन निर्देशक और लेखक के रूप में कुछ भी नया नहीं दे पाए सत्तर और अस्सी के दशक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बचपन को खूब दिखाया जाता था पिता को ईमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चौराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्य में जैते में दोहराया गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बी रानी जॉन अब्राहम यंगरी यंग मैन है वह भ्रष्ट पुलिसकर्मी को चुन चुनकर जला देता है पुलिस विभाग में हलचल मच जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवान यानी मनोज वाजपेयी को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुश्मन को ढूंढ निकाले बीर को जब यह पता चलता है तो वह सिवान्स को फ़ोन लगाकर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनौती देता है सिवान्स के साथ एक सूत्र लगता है जिससे वह उसको पकड़ने के करीब पहुंच जाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्याएँ क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमज़ोर पहलू यह है कि जब यह राज खुलता है कि वीर हत्या क्यों कर रहा है तो तो उस घटना में और वीर द्वारा दी गई हत्याओं में कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता वीर को जब पता था कि उसका दुश्मन कौन है तो उसी आदमी को ख़त्म कर सकता था वह ढेर सारे पुलिस ऑफिसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोड़ने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी लॉजिक के हिसाब से सही नहीं है शुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लॉजिक का साथ छूटने लगता है तो फिल्म का ग्राफ नीचे की ओर तेज़ी से आने लगता है और आखिरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुचि नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस ऑफिसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है सारेआम पेट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुसकर वह अपना काम कर जाता है दूसरी ओर शिवानस को काबिल पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है लेकिन वह असहाय ही नज़र आता है बीर का शिवानश को फ़ोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टक्कर दिखानी थी इसलिए बात डाल दी गई मिलन मिलाप जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं, उन्हें स्टाइलिश बनाया जाए भले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल संवादों का है सीन में किसी भी तरह संवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्शन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालांकि इनमें कई इनमें नई बात नहीं है लेकिन जॉन अब्राहम को एक्शन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अब्राहम का चेहरा पूरी फिल्म में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पोल खुल जाती है मनोज बाजपेयी अब एक जैसा अभिनय करने लगे हैं बागी टू का ही एक्सटेंट सत्य में में नज़र आता है नई हीरोइन आयशा शर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फ़िल्म में एक हीरोइन होना चाहिए आयशा का अभिनय निराशाजनक है सत्य में के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्षय कुमार और जॉन अब्रहम अब अक्रम सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि वेलकम फ्रेंचाइजी में अक्षय की जगह जॉन के लेने के बाद से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है आखिरी बार फिल्म डिसोम में एक साथ नजर आए दोनों कलाकार देसी बॉयज ग्रम मसाला और हाउसफुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बल्कि आमने सामने थे जहाँ अक्षय कुमार हॉकी खिलाड़ी और कोच तपन दास की बायोपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के पास सत्य में जाते थे इस फिल्म की कहानी बेहद सरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को झूठे करप्शन के आरोप में फंसकर आत्महत्या करते देखने वाले वीर यानी जॉन का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौजूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिंदा जलाकर वो सत्य की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डी सी पी ने मनोज बाजपेयी को काम पर लगाया जाता है और चूहे बिल्ली के खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मिलन मिलाप जाफेरी पहले इससे पहले मस्ती ग्रैंड मस्ती और एक विलन जैसी फिल्में बना चुके हैं ऐसे में देशभक्ति के साथ उनका ये एक्सपेरिमेंट हैरत करता है हालांकि देशभक्ति फ़िल्मों के एक्सपर्ट मनोज बाजपेई, एल ओ सी कारगिल नाम सवाना अयारी स्पेशल छब्बीस और जॉन अब्राहम मद्रास कैफे परमाणु फोर्स इस फिल्म में मौजूद हैं आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप नाइन्टीज़ के एक्शन सिनेमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मोल प्लॉट में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इस बैग का हैंग और आपको दिखाई देगा लेकिन क्योंकि मिलन ने ए, मिलन को इससे पहले देशभक्ति फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फ़िल्म बिखरने लगती है फिल्म में नोरा फतेह का दिल गाना अपना काम ठीक से करता है और इस गाने को वो सुपर हिट सुपर हॉट अवतार में है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हालांकि जॉन और मनोज बाजपेयी के डायलॉग सीटी बजाने लायक हैं और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा का मसल पावर आपको कल के जिम के लिए प्रेरित करता है मनोज बाजपेई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमज़ोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा ख़राब नहीं होने देते जहां हा जहाँ जॉन एक्शन में हिट हैं मनोज बाजपेई परजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेब्यू कर ही आशा शर्मा अच्छा अभिनय करते हैं और अपने किरदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है फिल्म की प्रडिक्टेबल कहानी हालांकि फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है और अगर आपको परमाणु अच्छी लगी थी तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हालांकि अगर आप लॉजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो यह फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मारधाड़ से भरपूर एक एक्शन ड्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कॉन्सेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डायरेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर बेस्ड है बी रानी अब्रह एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बीर पुलिस वालों को जलाकर मारता है और मारने के बाद उनका इसकेस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डीसीपी सी पी यानी मनोज वाजपेयी को यह केस दिया जाता है शिवंश किलर को पकड़ने की कोशिश करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पीछे की कहानी भी है डी सी राठौड़ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो किलर के माइंड में चलते वा, चलने वाले प्लान को क्रैक कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भूल गए हैं इस फिल्म के साथ यही इशू है इसकी शानदार शुरुआत होती है और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत ख़राब हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा ख़राब क्या है फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिग्नेचर डायलॉग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डायलॉग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरियसली लेना इम्पॉसिबल है जॉन अब्राहम हमेशा की तरह समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैवी मसल्स और एटीट्यूड के अलावा वह किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं लगते हैं वे स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभिनय करते हुए दिखते हैं कहानी में हीरोइन सिखा यानी आयशा शर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वह जानवरों की केयर करती है बीच को साफ करती है एन में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आयशा शर्मा ने अच्छा काम किया है मनोज बाजपेयी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है लेकिन फिल्म की बेवकूफ़ियाँ उनके शानदार अभिनय पर भारी पड़ती है अमृता खनवीकर जिन्होंने शिवानश की पत्नी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके अलावा आतिफ असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रैक है बाकी के एल्बम का म्यूजिक भी शूदिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना करें परमाणु की सफलता पर सवार जोन ब्रहम अब एक्शन थ्रिलर सत्य जयते के साथ हाज़िर थे गुस्से से भरा बैठा एक शख्स कैसे अकेले दम पर करप्शन के खिलाफ लड़ता है इसे सत्यमेव जयते में दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्यमेव जयते सत्यता से मीलों दूर दिखाई देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और अस्सी के दशक की फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की शुरुआत में बीर निजोन ब्रहम एक पुलिस वाले को जिंदा जला देता है और इस घटना के बाद ही फिल्म का प्लाट तैयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठिकाने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर आधारित है फिल्म में जॉन अब्राहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम वीर है और वह एक आर्टिस्ट है वो भ्रष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका स्केच भी बनाता है वीर हर उस जगह पुलिस वाले की जान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिप्त है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर शिवानस यानी मनोज बाजपेयी को दिया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलीज़ होने वाली इस फिल्म में देशभक्ति के कई पाठ पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे बरसों पुराने कॉन्सेप्ट को बेचने की कोशिश में यह फिल्म बेहद नाटकीय लगती है फिल्म की कहानी आज के दौर में प्रासंगिक है लेकिन लचर स्क्रिप्ट और कमर्शियल अंदाज के चलते यह फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है हालांकि जॉन कई एक्शन सीक्वेंस में प्रभावित करते हैं टायर फाड़ते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई है मनोज बाजपेयी इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दृढ़ और अपने दमदार डायलॉग से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आयशा शर्मा कैमरे पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई हैं फिल्म परमाणु के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षय कुमार की राह चलने वाले जौन अब्रह्म अब मसाला देशभक्ति फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलीवरी और एक्शन मसाला फिल्में काफ़ी पसंद हैं तो ये फ़िल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान्य है संवादों को काफ़ी दमदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वजह से कहानी सुनते वक्त सिलसिलेवार घटनाएं देखना दिलचस्प हो जाता है फिल्म का एक्शन जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्शन और संवादों को दर्शाया गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से जसती है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है मनोज बाजपेयी एक बार फिर से दमदार एक्टिंग करते नजर आते हैं वही एक्शन के लिए मशहूर जॉन अब्राहम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजर आते हैं मनीष चौधरी और आयशा शर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा से ही एक मसाला फिल्म को संपूर्ण एंटरटेनर माना जाता है हालांकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दों पर आधारित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार छाई रही लेकिन इस दौर में फिल्मकार भूल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफ़ी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मात्रा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शियल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर्ण मसाला फ़िल्म सत्यमेव जयते के रूप में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्शन के लिए जॉन अब्राहम हैं अभिनय के लिए मनोज बाजपेयी हैं आइटम सॉन्ग के लिए नौरा फतेह ही हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने का भारतीयों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्य में जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित ने जाना अब्राहम हर कथित मुजरिम को माचिस की तिलिया सुलगाते हुए जिंदा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ति के कुछ पाठ पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डायलॉग्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पड़ रहे हैं मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम के किरदार की लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था लेकिन स्क्रिप्ट इस इसमें फेल हो गई सत्य में जैते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अति नाटकीय प्रदर्शन के कारण इसमें हजमा ख हजमा करना मुश्किल हो जाता है अब्राहम के होने की वजह से आप इसमें अच्छे एक्शन की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन कभी कभी कभी, कभी यह काफ़ी भयानक हो जाता है सच यह है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमजोर बनाता है सत्य में देशभक्ति और सोशल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटरटेनर जरूर है आज भी एक बड़ी ऑडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी जेब ढीली करती है इसके अलावा लंबे वीकेंड का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में यदि आप मसाला एंटरटेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्शन और इसे बढ़ावा दे रहे सिस्टम से की जा रही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्य में जैसे रिलीज हो गई थी फिल्म एक्शन से भरपूर थी फिल्म की शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंट्रोल के बाद ये फिल्म आपको बोझिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है वीर अनी जौन अब्रह एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे वीर के पिता को एक झूठे करप्शन के केस में फंसा दिया जाता है जिसके कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं अपनी आंखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद वीर की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बीर करप्शन पर करप्शन कर रहे पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डीसीपी सी पी मनोज बाजपेयी की एंट्री और तभी शुरू होता है लुका छिपी का एक खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किए जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं वही अगर बात करें मनोज बाजपेयी की तो हर बार की तरह है, एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद मनोज वाजपेयी की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्ट्रेस आयस शर्मा ने अपने किरदार को बाखूबी निभाया है डायरेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्शकों पर बहुत अच्छे छाप छोड़ते नज़र नहीं आते हैं फिल्म काफ़ी बिखरी हुई नज़र आती है फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नोरा फतेही का अवतार लोगों को काफ़ी पसंद आया था फिल्म के डायलॉग अच्छे लिखे गए थे ख़ास करके हम बात करें जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के डायलॉग की तो आपको शीर बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यकीन ये फिल्म आपके लिए है फ़िल्म की सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रिप्ट इस फिल्म देखते वक्त तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्य में जतें मिलाप मिलन जाफेरी द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 के भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है सीरीज द्वारा निर्मित और वितरित फिल्म शूट आउट एट वाडला जो कि 2013 में आई थी के बाद जॉन अब्राहम और वाजपेई के बीच दूसरे सहयोग को यह चिन्हित करती है इसको निर्देशित किया था मिलन मिलाप जाफेरी ने यह लिखी गई थी मिलन मिलाप जाफेरी के द्वारा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और बाज की रोचक कोहली और को प्रभु मुखर्जी में इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संजय चौधरी ने इस फिल्म का बजट था अड़तीस करोड़ रुपए और इसकी कमाई थी 110 हुई थी एक करोड़ रुपए सत्य जयते के लिए मुख्य फोटोग्राफी पाँच मार्च 2018 को शुरू हुई थी यह 15 अगस्त 2018 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वैश्विक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी 2500 स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और अक्षय कुमार अभिनेत्री रीमा कागती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ड से टकरा गई फिर भी सत्यमेव जयते को दर्शकों ने खूब सराहा और ए रेटेड फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सतमें जैते टू एक स्वीकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतर्क वीरेंद्र यानी वीर राठौड़ की है जो पुलिस अधिकारियों को मारता है एक ईमानदार पुलिस अधिकारी सुवानस राठौड़ को वीर का शिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब शरीर की गिनती बढ़ने लगती है वीर एक पेंटर और चौकीदार है जो भ्रष्ट पुलिस वालों को आग लगाकर मारता है अपनी पहचान उजागर किए बिना वह वह भ्रष्ट भ्रष्टाचारियों का सफाया करने के लिए जनता का समर्थन हासिल करता है और शिखा नामक पशु चिकित्सक के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाता है बढ़ती लाशों की संख्या से चिंतित और अन्य पुलिस को भयभीत देखकर आयुक्त मनीष शुक्ला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए एक ईमानदार अधिकारी सिवांस को बुलाया आवाज़ बदलने वाले एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए वीर सिवांस को फोन करता है और एक भ्रष्ट अधिकारी को जान से मारने की धमकी देता है सिवांस को विश्वास दिलाया जाता है कि एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है जबकि वीर एक पेट्रोल पंप पर लक्षित भ्रष्ट पुलिस वाले को लड़ाता को से लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवान्स आगे की जांच शुरू करता है और हत्या के पैटर्न को सत्य में अनुसार होने का पता चलता है और अगला लक्ष्य वाई अक्षर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवान्स और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी शुरू करती है लेकिन वे हत्यारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं एक वाले के रूप में प्रच्न पुलिस बीर पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है और एक भ्रष्ट पुलिस वाले को प्रताड़ित करता है निर्दोष संदिग्ध उसके आग लगाने के बाद शिवान्श चीख सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए स्टेशन पहुंचता है वीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में शिवान्श को उसके घर पर मिलता है जहां वे दोनों भाई होने का खुलासा करते हैं वीर और शिवान्श अस्पताल जाते हैं जहां जला हुआ अधिकारी जिंदा पाया जाता है बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से कमरे में घुस जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है सारन बजने की आवाज सुनकर सुवानश कमरे में आता है और दरवाजा खोलते ही एक बिस्फोट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लौटता है खुद को घायल पाता है और पीछे से हत्यारे द्वारा हमला किए जाने का नाटक करता है बाद में शिवानस सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को एक सुरक्षित घर में इकट्ठा करता है लेकिन वीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और शिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खून से लथपथ कर लिया और एक भ्रष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सार्वजनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद शिवानश उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर द्वारा बंदूक की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है शिवान्श तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुरुषों की पेंटिंग जो मारे गए अधिकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांश बीर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिश्नर शुक्ला के साथ सिवांश को बीर ने उसी स्थान पर बुलाया जहाँ उसके पिता की मृत्यु हुई थी शुक्ला की बेटी होने का खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है वीर द्वारा शुक्ला द्वारा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुवानश चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फंसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिश्वत देने की अनुमति नहीं दी थी वीर ने खुद को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया पहले इससे पहले कि शुक्ला ने भाइयों को खत्म करने के लिए अपने पुलिस की सेना को बुलाया आगामी लड़ाई में वीर ने पुलिसकर्मियों को मार डाला और शुक्ला को किनारे कर दिया रोन रोकने के कई अनुरोधों के बाद एक अनिच्छुक शुक्ला को मारने से पहले वीर को गोली मार देता है हालांकि शुक्ला के शरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी ताजा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिखा है सत्य में उजैते एक मरता हुआ वीर उसे जलाता है और शुक्ला को आगे लगाकर आग को आग लगाकर मार देता है शिवाश और शिखाता बीर के पास जाते हैं जो शिवांश को उनके पिता द्वारा सिखाई गई शपथ सुनाने के लिए कहता है वह उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर शिवानस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगस्त दो को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षय कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज़ हुई थी जिसे भारत में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पानियोसा और तजदार ए हराम गाने रिलीज से पहले ही हिट हो गए थे जबकि दिलबर साल का ब्लॉकबस्टर गीत बन गया था फिल्म के लिए संगीत साजिद वाजिद तनिष बागची रोचक कोहली और आरको प्रभु मुखर्जी द्वारा रचित थे जबकि गीत शब्बीर अहमद कुमार आरको प्रभु मुखर्जी दानिश साबरी और इक्का द्वारा लिखे गए थे बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी द्वारा रचित था फिल्म का पहला गीत 1999 की नाँटी 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 फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मूल रूप से अलका अलकायनिक द्वारा गाया गया और नदीम सरोल द्वारा रचित इस फिल्म के लिए तनेश के द्वारा नेहा का कर द्वारा गाना गाया गया था धोनी बंशाली और इक्का की आवाज़ में बनाया गया है यह 4 जुलाई दो को रिलीज किया गया था मध्य पूर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुनः कल्पना की गई और इसे संगीत वीडियो में नूरा फतेही ही ने बेली डांस किया यह गीत गीत के साथ सभी संस्करणों अरबी भाषा सहित किसान लोकप्रिय हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बाद यूट्यूब पर बिलियन व्यूज इस पर इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गीत सा जिसे आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने गाया था 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मूल रूप से साबरी बदल द्वारा रचित और गाया गया था जिसे छब्बीस जुलाई दो हज़ार अठारह को वाजिद खान द्वारा फिर से बनाया गया और गाया गया था चौथा अंतिम गीत तेरे जैसा जिसे आरको प्रभु मुखर्जी और तुलसी द्वारा गाया गया था एक अगस्त को रिलीज किया गया था दो हज़ार अठारह सॉन् ट्रैक एक अगस्त दो हजार अठारह को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिल भर पानियो सा तजदार ए हरम तेरे जैसा जिसे गाया था तनेशबाज की रोचक कोहली साजिद वाजिद आरको ने सत्य में ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की शुद्ध कमाई की इस प्रकार जोन अब्राहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया संजू रेस थ्री गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पांचवी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में क्रमशः 79.2 मिलियन 19.3 मिलियन और नाइनटीन करोड़ और टेन करोड़ का शुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की व... फाइव मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का आजीवन संग्रह वन थाउजेंड एटी टू पॉइंट वन मिलियन है जिसमें 887.2 हंड्रेड सेवन पॉइंट टू मिलियन का शुद्ध कुल संग्रह शामिल है इसने अपने पूरे दौर में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की थी सत्य विजेता का विश्व अपी 1.08 वन पॉइंट जीरो बिलियन था जन अब्रह्म और दिव्या खोसला कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाने के बाद स्वकल की पुष्टि की गई यह मिलन मिलाप जा द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी द्वारा निर्मित होगी सत्यमा जेते टू शीर्षक यह तेरह मई दो को रिलीज होने वाली थी अप्रैल दो तक कोविड नाइन्टीन मामलों में वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को स्थगित कर दिया गया फिल्म आखिर पच्चीस नवंबर दो को रिलीज हुई मिलन मिलाप जफेरी ने सत्यमेव जयते नामक फिल्म उस दर्शक वर्ग के लिए बनाई है जो बड़े पर्दे पर सिर्फ माराकूटी देखना पसंद करते हैं उसे कहानी अभिनय निर्देशन या लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्यमेव जयते में मिलन निर्देशक और लेखक के रूप में कुछ भी नया नहीं दे पाए सत्तर और अस्सी के दशक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बचपन को खूब दिखाया जाता था पिता को ईमानदारी की सज़ा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चौराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्यमेव जयते में दोहराया गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो वीर यानी जॉन अब्राहम यंगरी यंग मैन है वह भ्रष्ट पुलिसकर्मी को चुन चुनकर जला देता है पुलिस विभाग में हलचल मच जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवान यानी मनोज वाजपेयी को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुश्मन को ढूंढ निकाले बीर को जब यह पता चलता है तो वह शिवान्श को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनौती देता है शिवान्श के साथ एक सूत्र लगता है जिससे वह उसको पकड़ने के करीब पहुंच जाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर यह हत्या क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलू यह है कि जब यह राज खुलता है कि बीर हत्या क्यों कर रहा है तो, तो उस घटना में और बीर द्वारा दी गई हत्याओं में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुश्मन कौन है तो उसी आदमी को ख़त्म कर सकता था वह ढेर सारे पुलिस ऑफिसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोड़ने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी लॉजिक के हिसाब से सही नहीं है शुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लॉजिक का साथ छूटने लगता है तो फिल्म का ग्राफ नीचे की ओर तेज़ी से आने लगता है और आखिरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुचि नहीं रह जाती वीर के लिए बड़े पुलिस ऑफिसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है सारेराम पेट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुस वह अपना काम कर जाता है दूसरी ओर शिवानस को काबिल पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है लेकिन वह असहाय ही नज़र आता है वीर का शिवानस को फ़ोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टक्कर दिखानी थी इसलिए बात डाल दी गई मिलन मिलाप जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं उन्हें स्टाइलिश बनाया जाए भले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल संवादों का है सीन में किसी भी तरह संवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्शन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालांकि इनमें कई इनमें नई बात नहीं है लेकिन जॉन अब्राहम को एक्शन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अब्राहम का चेहरा पूरी फिल्म में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पोल खुल जाती है मनोज बाजपेयी अब एक जैसा अभिनय करने लगे हैं बागी टू का ही एक्सटेंट सत्य में जैते में नजर आता है नई हीरोइन आयशा शर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हीरोइन होना चाहिए आयशा का अभिनय निराश है सत्य में जैते के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रह जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्षय कुमार और जॉन अब्रहम अब क्रमशः सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि वेलकम फ्रेंचाइजी में अक्षय की जगह जॉन के लेने के बाद से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है आखिरी बार फिल्म डिसोम में एक साथ नजर आए दोनों कलाकार देसी बॉयज ग्रम मसाला और हाउसफुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बल्कि आमने सामने थे जहाँ अक्षय कुमार हॉकी खिलाड़ी और कोच तपन दास की बायोपिक के साथ पंद्रह अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी के पास सत्य में जाते थे इस फिल्म की कहानी बेहद सरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को झूठे करप्शन के आरोप में फंस कर आत्महत्या करते देखने वाले वीर अन्य जोन ब्रह्म का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौजूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिंदा जलाकर वो सत्य की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डी सी ने मनोज वाजपेयी को काम पर लगाया जाता है और चूहे बिल्ली के खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मिलन मिलाप जाफेरी पहले इससे पहले मस्ती ग्रैंड मस्ती और एक विलन जैसी फिल्में बना चुके हैं ऐसे में देशभक्ति के साथ उनका ये एक्सपेरिमेंट हैरत करता है हालांकि देशभक्ति फ़िल्मों के एक्सपर्ट मनोज बाजपेई, एल ओ सी कारगिल नाम सवाना अयारी स्पेशल छब्बीस और जॉन अब्राहम मद्रास कैफे परमाणु फोर्स इस फिल्म में मौजूद हैं आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप नाइन्टीज़ के एक्शन सिनेमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मोल प्लॉट में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इस बैग का हैंग और आपको दिखाई देगा लेकिन क्योंकि मिलन ने ए, मिलन को इससे पहले देशभक्ति फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फ़िल्म बिखरने लगती है फिल्म में नोरा फतेही का दिल गाना अपना काम ठीक से करता है और इस गाने को वो सुपर हिट सुपर हॉट अवतार में हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हालांकि जॉन और मनोज बाजपेयी के डायलॉग सीटी बजाने लायक हैं और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा का मसल पावर आपको कल के जिम के लिए प्रेरित करता है मनोज बाजपेई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमज़ोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा ख़राब नहीं होने देते जहाँ हा जहाँ जॉन एक्शन में हिट हैं मनोज बाजपेई परजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेब्यू कर ही आशा शर्मा अच्छा अभिनय करते हैं और अपने किरदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है फिल्म की प्रडिक्टेबल कहानी हालांकि फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है और अगर आपको परमाणु अच्छी लगी थी तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हालांकि अगर आप लॉजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ये फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मार धाड़ से भरपूर एक एक्शन ड्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कॉन्सेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डायरेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर बेस्ड है बी रानी जोनब्रह एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जलाकर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डीसीपी सी सिवांश यानी मनोज वाजपेयी को यह केस दिया जाता है शिवान्श किलर को पकड़ने की कोशिश करता है और किलर उसके नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बीर के किलर बनने के पीछे की कहानी भी है डीसीपी सी राठौड़ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो किलर के माइंड में चलते वा, चलने वाले प्लान को क्रैक कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भूल गए हैं इस फिल्म के साथ यही इशू है इसकी शानदार शुरुआत होती है और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत ख़राब हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा ख़राब क्या है फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिग्नेचर डायलॉग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डायलॉग फनी लगते हैं फिल्म को सीरियसली लेना इम्पॉसिबल है जॉन अब्राहम हमेशा की तरह समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैवी मसल्स और एटीट्यूड के अलावा वह किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं लगते हैं वह स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभिनय करते हुए दिखते हैं कहानी में हीरोइन सिखा यानी आयशा शर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वह जानवरों की केयर करती है बीज को साफ करती है एन में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आयशा शर्मा ने अच्छा काम किया है मनोज बाजपेई ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है लेकिन फिल्म की बेवकूफ़ियाँ उनके शानदार अभिनय पर भारी पड़ती है अमृता खनवीकर जिन्होंने शिवानश की पत्नी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके अलावा आत आतिफ असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रैक है बाकी के एल्बम का म्यूजिक भी सूदिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना करें परमाणु की सफलता पर सवार जॉन ब्रह्म अब एक्शन थ्रिलर सत्यमेव जयते के साथ हाजिर थे गुस्से से भरा बैठा एक शख्स कैसे अकेले दम पर करप्शन के खिलाफ लड़ता है इसे सत्यमय जयते में दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्यमय जयते सत्यता से मीलों दूर दिखाई देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और अस्सी के दशक की फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की शुरुआत में बिर जॉन अब्रहम एक पुलिस वाले को जिंदा जला देता है और इस घटना के बाद ही फिल्म का प्लाट तैयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठिकाने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर आधारित है फिल्म में जॉन अब्राहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वह एक आर्टिस्ट है वो भ्रष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका स्केच भी बनाता है वीर हर उस जगह पुलिस वाले की जान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिप्त है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवान्स यानी मनोज बाजपेयी को दिया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देशभक्ति के कई पाठ पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे बरसों पुराने कॉन्सेप्ट को बेचने की कोशिश में यह फिल्म बेहद नाटकीय लगती है फिल्म की कहानी आज के दौर में प्रासंगिक है लेकिन लचर स्क्रिप्ट और कमर्शियल अंदाज के चलते यह फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है हालांकि जॉन कई एक्शन सीक्वेंस में प्रभावित करते हैं टायर फाड़ते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई है मनोज बाजपेयी इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दृढ़ और अपने दमदार डायलॉग से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आयशा शर्मा कैमरे पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई हैं फिल्म परमाणु के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षय कुमार की राह चलने वाले जौन अब्रहम अब मसाला देशभक्ति फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलीवरी और एक्शन मसाला फिल्में काफ़ी पसंद हैं तो ये फ़िल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान्य है संवादों को काफ़ी दमदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वजह से कहानी सुनते वक्त सिलसिलेवार घटनाएं देखना दिलचस्प हो जाता है फिल्म का एक्शन जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्शन और संवादों को दर्शाया गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से जसती है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है मनोज बाजपेयी एक बार फिर से दमदार एक्टिंग करते नजर आते हैं वही एक्शन के लिए मशहूर जोनाब्रम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजर आते हैं मनीष चौधरी और आयशा शर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा से ही एक मसाला फिल्म को संपूर्ण एंटरटेनर माना जाता है हालांकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दों पर आधारित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार छाई रही लेकिन इस दौर में फिल्मकार भूल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफ़ी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मात्रा में डाले जाने चाहिए इसीलिए कमर्शियल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर्ण मसाला फिल्म सत्यमेव जयते के रूप में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्शन के लिए जॉन अब्राहम हैं अभिनय के लिए मनोज बाजपेयी हैं आइटम सॉन्ग के लिए नोरा फतेह ही हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने का भारतीयों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्य में जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित ह्यो निजाना अब्राहम हर कथित मुजरिम को माचिस की तिलिया सुलगाते हुए जिंदा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ति के कुछ पाठ पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डायलॉग्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पड़ रहे हैं मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम के किरदार की लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था लेकिन स्क्रिप्ट इस इसमें फेल हो गई सत्य जैते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अत्य नाटकीय प्रदर्शन के कारण इसमें हजमा हजमा करना मुश्किल हो जाता है जो अब्राहम के होने की वजह से आप इसमें अच्छे एक्शन की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 यह काफ़ी भयानक हो जाता है सच यह है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमजोर बनाता है सत्य में जैसे देशभक्ति और सोशल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटरटेनर जरूर है आज भी एक बड़ी ऑडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी जेब ढीली करती है इसके अलावा लंबे वीकेंड का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में यदि आप मसाला एंटरटेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्शन और इसे बढ़ावा दे रहे सिस्टम से की जा रही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्य में जैते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्शन से भरपूर थी फिल्म की शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंटरवल के बाद एक फिल्म आपको बोझिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है वीर अनी जौन अब्रह एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे वीर के पिता को एक झूठे करप्शन के केस में फंसा दिया जाता है जिसके कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं अपनी आंखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद वीर की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए भीर करप्शन पर करप्शन कर रहे पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डी सी पी मनोज बाजपेयी की एंट्री और तभी शुरू होता है लुका छिपी का एक खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किए जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं वही अगर बात करें मनोज बाजपेयी की तो हर बार की तरह है, एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद मनोज बाजपेयी की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्ट्रेस आशा शर्मा ने अपने किरदार को बाखूबी निभाया है डायरेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्शकों पर बहुत अच्छे छाप छोड़ते नज़र नहीं आते हैं फिल्म काफ़ी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नोरा फतेही का अवतार लोगों को काफ़ी पसंद आया था फिल्म के डायलॉग अच्छे लिखे गए थे ख़ास करके हम बात करें जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के डायलॉग की तो आपको शीटी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यकीन यह फिल्म आपके लिए है फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रिप्ट इस फिल्म देखते वक्त तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्य में जतें मिलाप मिलन जाफेरी द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 के की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है टी सीरीज द्वारा निर्मित और वितरित फिल्म शूट आउट एट वाडला जो कि 2013 में आई थी के बाद जॉन अब्राहम और वाजपेयी के बीच दूसरे सहयोग को ये चिन्हित करती है इसको निर्देशित किया था मिलन मिलाप जाफेरी ने यह लिखी गई थी मिलन मिलाप जाफेरी के द्वारा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तनिष बाज की रोचक कोहली और को प्रभु मुखर्जी में इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संजय चौधरी ने इस फिल्म का बजट था अड़तीस करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 110 करोड़ रुपए सत्य के लिए मुख्य फोटोग्राफी 5 मार्च 2018 को शुरू हुई थी यह 15 अगस्त 2018 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वैश्विक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी पच्चीस सौ स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और अक्षय कुमार अभिनेत्री की का ड्रामा कोल्ड से टकरा गई फिर भी सत्य जयते को दर्शकों ने खूब सराहा और ए रेटेड फिल्म के शुरुआती दिन के रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी दुनिया भर में billion, uh, टू, में 1.10 बिलियन एक रिलीज किया गया था कहानी सतर्क वीरेंद्र यानी वीर राठौड़ की है जो पुलिस अधिकारियों को मारता है एक ईमानदार पुलिस अधिकारी सुवानस राठौड़ को वीर का शिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब शरीर की गिनती बढ़ने लगती है वीर एक पेंटर और चौकीदार है जो भ्रष्ट पुलिसवालों को आग लगाकर मारता है अपनी पहचान उजागर किए बिना वह भ्रष्ट वह भ्रष्टाचारियों का सफाया करने के लिए जनता का समर्थन हासिल करता है और शिखा नामक पशु चिकित्सक के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाता है बढ़ती लाशों की संख्या से चिंतित और अन्य पुलिस को भयभीत देखकर आयुक्त मनीष शुक्ला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए ईमानदार अधिकारी सिवांस को बुलाया आवाज़ बदलने वाले एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए वीर सिवांस को फोन करता है और एक भ्रष्ट अधिकारी को जान से मारने की धमकी देता है शिवानश को विश्वास दिलाया जाता है कि एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है जबकि वीर एक पेट्रोल पंप पर लक्षित भ्रष्ट पुलिस वाले को लड़ाता को से लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवान्स आगे की जांच शुरू करता है और हत्या के पैटर्न को सत्य में के अनुसार होने का पता चलता है और अगला वाई अक्षर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवान्स और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी शुरू करती है लेकिन वे हत्यारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं एक पुलिस वाले के रूप में परचन पुले बीर पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है और एक भ्रष्ट पुलिस वाले को प्रताड़ित करता है निर्दोष संदिग्ध उसके आग लगाने के बाद शिवान्श चीख सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए स्टेशन पहुंचता है बीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में सिवांश को उसके घर पर मिलता है जहां वे दोनों भाई होने का खुलासा करते हैं वीर और शिवांश अस्पताल जाते हैं जहां जला हुआ अधिकारी जिंदा पाया जाता है बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से कमरे में घुस जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है सारन बजने की आवाज़ सुनकर शिवानस कमरे में आता है और दरवाजा खोलते ही एक विस्फोट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लौटता है खुद को घायल पाता है और पीछे से हत्यारे द्वारा हमला किए जाने का नाटक करता है बाद में शिवानस सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को एक सुरक्षित घर में इकट्ठा करता है लेकिन वीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और शिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खून से लथपथ कर लिया और एक भ्रष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सार्वजनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद शिवान्श उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर द्वारा बंदूक की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है शिवान्श तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुरुषों की पेंटिंग जो मारे गए अधिकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांश बीर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिश्नर शुक्ला के साथ सिवांश को बीर में उसी स्थान पर बुलाया जहाँ उसके पिता की मृत्यु हुई थी शुक्ला की बेटी होने का खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है बीर द्वारा सुकला द्वारा शुक्ला खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद जाता है कि उसने उसने अपने पिता को को फंसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिश्वत देने की अनुमति नहीं दी थी वीर ने खुद को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया पहले इससे पहले कि शुक्ला ने भाइयों को खत्म करने के लिए अपने पुलिस की सेना को बुलाया आगामी लड़ाई में वीर ने पुलिसकर्मियों को मार डाला और शुक्ला को किनारे कर दिया रुकने के के कई अनुरोधों बाद एक को को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हालांकि शुक्ला के शरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी ताजा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिखा है सत्य में उजैते एक मरता हुआ वीर उसे जलाता है और शुक्ला को आगे लगाकर आग को आग लगाकर मार देता है शिवाश और शिखा के पास जाते हैं जो शिवांश को उनके पिता द्वारा सिखाई गई शपथ सुनाने के लिए कहता है उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर शिवानस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगस्त 2018 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षय कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी जिसे भारत में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पानियोसा और तजदार ए हराम गाने रिलीज से पहले ही हिट हो गए थे जबकि दिलबर साल का ब्लॉकबस्टर गीत बन गया था फिल्म के लिए संगीत साजिद वाजिद तनिष बागची रोचक कोहली और आरको प्रभु मुखर्जी द्वारा रचित थे जबकि गीत शब्बीर अहमद कुमार आरको प्रभु मुखर्जी दानिश साबरी और इक्का द्वारा लिखे गए थे बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी द्वारा रचित था फिल्म का पहला गीत 1999 की फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मूल रूप से अलका अल्कायनिक द्वारा गाया गया और नदीम सरोट द्वारा रचित इस फिल्म के लिए तनेश के द्वारा नेहा कर द्वारा गाना गाया गया था ध्वनि बंशाली और इक्का की आवाज में बनाया गया है यह 4 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मध्य पूर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुनः कल्पना की गई और इसे संगीत वीडियो में नोरा फतेही ने बेली डांस किया यह गीत गीत के साथ सभी संस्करणों अरबी भाषा सहित किसान लोकप्रिय हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बाद यूट्यूब पर बिलियन बीज इस पर इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गीत सा जिसे आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने गाया था 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मूल रूप से साबरी बदल द्वारा रचित और गाया गया था जिसे 26 जुलाई दो को वाजिद खान द्वारा फिर से बनाया गया और गाया गया था चौथा अंतिम गीत तेरे जैसा जिसे आर को प्रभु मुखर्जी और तुलसी द्वारा गाया गया था एक अगस्त को रिलीज किया गया था 2018 हजार अठारह सॉन्ट्रैक एक अगस्त दो थारा थारा को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिल भर पानियो सा तजदार ए हरम तेरे जैसा जिसे गाया था तनेशबाज की रोचक कोहली साजिद वाजिद आरको ने सत्य में ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की शुद्ध कमाई की इस प्रकार जोना अब्राहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया संजू रेस थ्री गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पांचवी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में क्रमशः सेवेंटी मिलियन 19.3 मिलियन और नाइन्टीन करोड़ और टेन करोड़ का शुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की व... 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का आजीवन संग्रह वन मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का शुद्ध कुल संग्रह शामिल है इसने अपने पूरे दौर में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्य विजय का विश्व सकल 1.08 वन बिलियन था जन अब्रह्म और दिव्या खोसला कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाने के बाद शुक्ल की पुष्टि की गई यह मिलन मिलाप जाफेरी द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी द्वारा निर्मित होगी सतमय जेते टू शीर्षक यह तेरह मई दो को रिलीज होने वाली थी अप्रैल दो तक कोविड नाइन्टीन मामलों में वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को स्थगित कर दिया गया फिल्म आखिर पच्चीस नवंबर दो को रिलीज हुई मिलन मिलाप जफेरी ने सत्यमेव जयते नामक फिल्म उस दर्शक वर्ग के लिए बनाई है जो बड़े पर्दे पर सिर्फ माराकूटी देखना पसंद करते हैं उसे कहानी अभिनय निर्देशन या लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्यमेव जयते में मिलन निर्देशक और लेखक के रूप में कुछ भी नया नहीं दे पाए सत्तर और अस्सी के दशक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बचपन को खूब दिखाया जाता था पिता को ईमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चौराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्य में जैते में दोहराया गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बी रानी जॉन अब्रह यंगरी यंग मैन है वह भ्रष्ट पुलिसकर्मी को चुन चुनकर जला देता है पुलिस विभाग में हलचल मच जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवान यानी मनोज वाजपेयी को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुश्मन को ढूंढ निकाले वीर को जब यह पता चलता है तो वह शिवान्श को फ़ोन लगाकर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनौती देता है सिवान के साथ एक सूत्र लगता है जिससे वह उसको पकड़ने के करीब पहुंच जाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर यह हत्याएँ क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलू यह है कि जब यह राज खुलता है कि वीर हत्या क्यों कर रहा है तो तो उस घटना में और वीर द्वारा दी गई हत्याओं में कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता वीर को जब पता था कि उसका दुश्मन कौन है तो उसी आदमी को ख़त्म कर सकता था वह ढेर सारे पुलिस ऑफिसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोड़ने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी लॉजिक के हिसाब से सही नहीं है शुरुआत में ज़रूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लॉजिक का साथ छूटने लगता है तो फिल्म का ग्राफ नीचे की ओर तेज़ी से आने लगता है और आखिरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुचि नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस ऑफिसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है आम पेट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुसकर वह अपना काम कर जाता है दूसरी ओर शिवानश को काबिल पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है लेकिन वह असहाय ही नजर आता है बीर का शिवानश को फ़ोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टक्कर दिखानी थी इसलिए बात डाल दी गई मिलन मिलाप जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं, उन्हें स्टाइलिश बनाया जाए भले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल संवादों का है सीन में किसी भी तरह संवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्शन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालांकि इनमें कई इनमें नई बात नहीं है लेकिन जॉन अब्राहम को एक्शन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अब्राहम का चेहरा पूरी फिल्म में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पोल खुल जाती है मनोज बाजपेयी अब एक जैसा अभिनय करने लगे हैं बागी टू का ही एक्सटेंट सत्य में ज्योत में नजर आता है नई हीरोइन आयशा शर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हीरोइन होना चाहिए आयशा का अभिनय निराशाजनक है सत्य में के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम अब क्रमशः सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि वेलकम फ्रेंचाइजी में अक्षय की जगह जॉन के लेने के बाद से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है आखिरी बार फिल्म डिसोम में एक साथ नज़र आए दोनों कलाकार देसी बॉयज करम मसाला और हाउसफुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बल्कि आमने सामने थे जहाँ अक्षय कुमार हॉकी खिलाड़ी और कोच तपन दास की बायोपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के पास सत्य में जाते थे इस फिल्म की कहानी बेहद सरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को झूठे करप्शन के आरोप में फंसकर आत्महत्या करते देखने वाले वीर यानी जॉन का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौजूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिंदा जलाकर वो सत्य की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डीसीपी सी ने मनोज वाजपेयी को काम पर लगाया जाता है और चूहे बिल्ली के इस खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मिलन मिलाप जाफेरी पहले इससे पहले मस्ती ग्रैंड मस्ती और एक विलन जैसी फिल्में बना चुके हैं ऐसे में देशभक्ति के साथ उनका ये एक्सपेरिमेंट हैरत करता है हालांकि देशभक्ति फ़िल्मों के एक्सपर्ट मनोज बाजपेयी, एल ओ सी कारगिल नाम सवाना अयारी स्पेशल छब्बीस और जॉन अब्राहम मद्रास कैफे परमाणु फोर्स इस फिल्म में मौजूद हैं आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप नाइन्टीज़ के एक्शन सिनेमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मोल प्लॉट में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इस बैग का हैंग हाँ और आपको दिखाई देगा लेकिन क्योंकि मिलन ने ए, मिलन को इससे पहले देशभक्ति फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फ़िल्म बिखरने लगती है फिल्म में नोरा फतेही का दिल बरगाना गाना अपना काम ठीक से करता है और इस गाने को वो सुपर हिट सुपर हॉट अवतार में हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हालांकि जॉन और मनोज बाजपेयी की डायलॉग सीटी बजाने लायक हैं और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा का मसल पावर आपको कल के जिम के लिए प्रेरित करता है मनोज बाजपेई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमज़ोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते जहां हा जहाँ जॉन एक्शन में हिट हैं मनोज बाजपेई परजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेब्यू कर ही आशा शर्मा अच्छा अभिनय करती हैं और अपने किरदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है फिल्म की प्रडिक्टेबल कहानी हालांकि फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है और अगर आपको परमाणु अच्छी लगी थी तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हालांकि अगर आप लॉजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ये फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मार धाड़ से भरपूर एक एक्शन ड्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कॉन्सेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डायरेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर बेस्ड है बी जॉन जोन एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जलाकर मारता है और मारने के बाद उनका इसकेस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डीसीपी सी पी यानी मनोज बाजपेयी को यह केस दिया जाता है शिवंश किलर को पकड़ने की कोशिश करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है वीर के किलर बनने के पीछे की कहानी भी है डीसीपी सी राठौड़ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो किलर के माइंड में चलते वा, चलने वाले प्लान को क्रैक कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भूल गए हैं इस फिल्म के साथ यही इशू है इसकी शानदार शुरुआत होती है और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत ख़राब हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा ख़राब क्या है फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिग्नेचर डायलॉग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डायलॉग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरियसली लेना इम्पॉसिबल है जॉन अब्राहम हमेशा की तरह समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैवी मसल्स और एटीट्यूड के अलावा वह किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं लगते हैं वह स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभिनय करते हुए दिखते हैं कहानी में हीरोइन सिखा यानी आयशा शर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वह जानवरों की केयर करती है बीच को साफ करती है एन में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आयशा शर्मा ने अच्छा काम किया है मनोज बाजपेयी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है लेकिन फिल्म की बेवकूफ़ियाँ उनके शानदार अभिनय पर भारी पड़ती है अमृता खनबीकर जिन्होंने शिवानश की पत्नी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके अलावा आतिफ असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रैक है बाकी के एल्बम का म्यूजिक भी शूदिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना करें परमाणु की सफलता पर सवार जन ब्रहम अब एक्शन थ्रिलर सत्य जयते के साथ हाजिर थे गुस्से से भरा बैठा एक शख्स कैसे अकेले दम पर करप्शन के खिलाफ लड़ता है इसे सत्यमेव जयते में दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्यमेव जयते सत्यता से मीलो दूर दिखाई देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और अस्सी के दशक की फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की शुरुआत में बीर निजोन अब्रहम एक पुलिस वाले को जिंदा जला देता है और इस घटना के बाद ही फिल्म का प्लाट तैयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठिकाने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर आधारित है फिल्म में जॉन अब्राहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम वीर है और वह एक आर्टिस्ट है वो भ्रष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका स्केच भी बनाता है वीर हर उस जगह पुलिस वाले की जान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिप्त है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर शिवानस यानी मनोज बाजपेयी को दिया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देशभक्ति के कई पाठ पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे बरसों पुराने कॉन्सेप्ट को बेचने की कोशिश में यह फिल्म बेहद नाटकीय लगती है फिल्म की कहानी आज के दौर में प्रासंगिक है लेकिन लचर स्क्रिप्ट और कमर्शियल अंदाज के चलते यह फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है हालांकि जॉन कई एक्शन सीक्वेंस में प्रभावित करते हैं टायर फाड़ते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई है मनोज वाजपेयी इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दृढ़ और अपने दमदार डायलाग से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आयशा शर्मा कैमरे पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई हैं फिल्म परमाणु के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षय कुमार की राह चलने वाले जौन बब्रह अब मसाला देशभक्ति फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलीवरी और एक्शन मसाला फिल्में काफ़ी पसंद हैं तो ये फ़िल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान्य है संवादों को काफ़ी दमदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वजह से कहानी सुनते वक्त सिलसिलेवार घटनाएं देखना दिलचस्प हो जाता है फिल्म का एक्शन जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्शन और संवादों को दर्शाया गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से जसती है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है मनोज बाजपेयी एक बार फिर से दमदार एक्टिंग करते नजर आते हैं वही एक्शन के लिए मशहूर जॉन अब्राहम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजर आते हैं मनीष चौधरी और आयशा शर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा से ही एक मसाला फिल्म को संपूर्ण एंटरटेनर माना जाता है हालांकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दों पर आधारित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार छाई रही लेकिन इस दौर में फ़िल्मकार भूल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफ़ी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मात्रा में डाले जाने चाहिए इसीलिए कमर्शियल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर्ण मसाला फ़िल्म सत्यमय जयते के रूम में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्शन के लिए जॉन अब्राहम हैं अभिनय के लिए मनोज बाजपेयी हैं आइटम सॉन्ग के लिए नौरा फतेह ही हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने का भारतीयों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्य में जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित ह्यो निजाना अब्राहम हर कथित मुजरिम को माचिस की तिलिया सुलगाते हुए जिंदा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ति के कुछ पाठ पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डायलॉग्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पड़ रहे हैं मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम के किरदार की लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था लेकिन स्क्रिप्ट इस इसमें फेल हो गई सत्य जैते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अति नाटकीय प्रदर्शन के कारण इसमें हजमा हजमा करना मुश्किल हो जाता है अब्राहम के होने की वजह से आप इसमें अच्छे एक्शन की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 यह काफ़ी भयानक हो जाता है सच यह है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमजोर बनाता है सत्य में जैसे देशभक्ति और सोशल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ यह फिल्म मसाला एंटरटेनर जरूर है आज भी एक बड़ी ऑडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी जेब ढीली करती है इसके अलावा लंबे वीकेंड का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में यदि आप मसाला एंटरटेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्शन और इसे बढ़ावा दे रहे सिस्टम से की जा रही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्य में जैते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्शन से भरपूर थी फिल्म की शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंट्रोल के बाद ही फिल्म आपको बोझिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है बीरि जोन अब्रह एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे वीर के पिता को एक झूठे करप्शन के केस में फंसा दिया जाता है जिसके कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं अपनी आंखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद वीर की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बीर करप्शन पर करप्शन कर रहे पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डीसीपी सी पी मनोज बाजपेयी की एंट्री और तभी शुरू होता है लुका छिपी का एक खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किए जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं वहीं अगर बात करें मनोज बाजपेयी की तो हर बार की तरह एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद मनोज बाजपेयी की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्ट्रेस आयसद शर्मा ने अपने किरदार को बाखूबी निभाया है डायरेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्शकों पर बहुत अच्छे छाप छोड़ते नज़र नहीं आते हैं फिल्म काफ़ी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नोरा फतेही का अवतार लोगों को काफ़ी पसंद आया था फिल्म के डायलॉग अच्छे लिखे गए थे खास करके हम बात करें जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के डायलॉग की तो आपको शीर बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यकीन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रिप्ट इस फिल्म देखते वक्त तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्य में जतें मिलाप मिलन जाफेरी द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 के भारती की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है टी सीरीज द्वारा निर्मित और वितरित फिल्म शूट आउट एट वाड्रा जो कि 2013 में आई थी के बाद जॉन अब्राहम और वाजपेयी के बीच दूसरे सहयोग को यह चिन्हित करती है इसको निर्देशित किया था मिलन मिलाप जाफेरी ने यह लिखी गई थी मिलन मिलाप जाफेरी के द्वारा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तनिष बाज की रोचक कोहली और को प्रभु मुखर्जी में इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संजय चौधरी ने इस फिल्म का बजट था अड़तीस करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 110 करोड़ रुपए सत्य में जयते के लिए मुख्य फोटोग्राफी 5 मार्च 2018 को शुरू हुई थी यह 15 अगस्त 2018 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वैश्विक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी पच्चीस सौ स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और अक्षय कुमार अभिनेत्री रीमा कागती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ड से टकरा गई फिर भी सत्यमेव जयते को दर्शकों ने खूब सराहा और ए रेटेड फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सतमें जैते टू एक स्वीकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतर्क वीरेंद्र यानी वीर राठौड़ की है जो पुलिस अधिकारियों को मारता है एक ईमानदार पुलिस अधिकारी सुवानस राठौड़ को वीर का शिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब शरीर की गिनती बढ़ने लगती है वीर एक पेंटर और चौकीदार है जो भ्रष्ट पुलिस वालों को आग लगाकर मारता है अपनी पहचान उजागर किए बिना वह भ्रष्ट वह भ्रष्टाचारियों का सफाया करने के लिए जनता का समर्थन हासिल करता है और शिखा नामक पशु चिकित्सक के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाता है बढ़ती लाशों की संख्या से चिंतित और अन्य पुलिस को भयभीत देखकर आयुक्त मनीष शुक्ला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए ईमानदार अधिकारी सिवानश को बुलाया आवाज बदलने वाले एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए वीर शिवान्श को फोन करता है और एक भ्रष्ट अधिकारी को जान से मारने की धमकी देता है शिवानश को विश्वास दिलाया जाता है कि एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है जबकि वीर एक पेट्रोल पंप पर लक्षित भ्रष्ट पुलिस वाले को लड़ाता को से लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर शिवान्श आगे की जांच शुरू करता है और हत्या के पैटर्न को सत्य में के अनुसार होने का पता चलता है और अगला लक्ष्य वाई अक्षर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सीमांश और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी शुरू करती है लेकिन वे हत्यारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं एक पुलिस वाले के रूप में प्रच्छीर पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है और एक भ्रष्ट पुलिस वाले को प्रताड़ित करता है निर्दोष संदिग्ध उसके आग लगाने के बाद सिमांश चीख सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए स्टेशन पहुंचता है बीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में शिवान्श को उसके घर पर मिलता है जहाँ वे दोनों भाई होने का खुलासा करते हैं बीर और शिवानस अस्पताल जाते हैं जहाँ जला हुआ अधिकारी जिंदा पाया जाता है बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से कमरे में घुस जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है सारन बजने की आवाज सुनकर शिवान्श कमरे में आता है और दरवाजा खोलते ही एक विस्फोट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लौटता है खुद को घायल पाता है और पीछे से हत्यारे द्वारा हमला किए जाने का नाटक करता है बाद में सुवान सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को एक सुरक्षित घर में इकट्ठा करता है लेकिन बीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और शिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खून से लथपथ कर लिया और एक भ्रष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा सार्वजनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद शिवान्श उसका पीछा करता है लेकिन खुद को वीर द्वारा बंदूक की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है शिवान्श तब बताते हैं कि कैसे वीर के आतंकित पुरुषों की पेंटिंग जो मारे गए अधिकारियों से मिलती जुलती है ने वीर को हत्यारा बताया शिवान्श वीर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिश्नर शुक्ला के साथ शिवंश को वीर में उसी स्थान पर बुलाया जहाँ उसके पिता की मृत्यु हुई थी शुक्ला की बेटी होने का खुलासा करने वाली शिखा की हिरासत में है वीर द्वारा, द्वारा ने खुद को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया पहले इससे पहले कि शुक्ला ने भाइयों को खत्म करने के लिए अपने पुलिस की सेना को बुलाया आगामी लड़ाई में वीर ने पुलिसकर्मियों को मार डाला और शुक्ला को किनारे कर दिया रुकने के के कई अनुरोधों बाद एक अनिच्छुक को को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हालांकि शुक्ला के शरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी ताजा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिखा है सत्य में उजैते एक मरता हुआ वीर उसे जलाता है और शुक्ला को आगे लगाकर आग को आग लगाकर मार देता है शिवांश और शिखाता बीर के पास जाते हैं जो शिवानस को उनके पिता द्वारा सिखाई गई शपथ सुनाने के लिए कहता है वह उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर शिवानस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगस्त 2018 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षय कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज़ हुई थी जिसे भारत में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पानियोसा और तजदार ए हराम गाने रिलीज से पहले ही हिट हो गए थे जबकि दिलबर साल का ब्लॉकबस्टर गीत बन गया था फिल्म के लिए संगीत साजिद वाजिद तनिष बागची रोचक कोहली और आरको प्रभो मुखर्जी द्वारा रचित थे जबकि गीत शब्बीर अहमद कुमार आरको प्रभो मुखर्जी दानिश साबरी और इक्का द्वारा लिखे गए थे बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी द्वारा रचित था फिल्म का पहला गीत 1999 की फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मूल रूप से अलका अल्कायनिक द्वारा गाया गया और नदीम सरोट द्वारा रचित इस फिल्म के लिए तनिष्क बास्की द्वारा नेहा काक्कर द्वारा गाना गाया गया था धोनी बंशाली और एका की आवाज में बनाया गया है यह चार जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मध्य पूर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुनः कल्पना की गई और इसे संगीत वीडियो में नूरा फतेही ने बेली डांस किया यह गीत गीत के साथ सभी संस्करणों अरबी भाषा सहित साथ लोकप्रिय हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बाद यूट्यूब पर बिलियन बीज इस पर इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गीत सा जिसे आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने गाया था 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मूल रूप से साबरी बदल द्वारा रचित और गाया गया था जिसे 26 जुलाई 2018 को वाजिद खान द्वारा फिर से बनाया गया और गाया गया था चौथा और अंतिम की तेरे जैसा जिसे आरको प्रभु मुखर्जी और तुलसी द्वारा गाया गया था एक अगस्त को रिलीज किया गया था 2018 हज़ार ट्रैक एक अगस्त 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर भर सा तजदार ए हरम तेरे जैसा जिसे गाया था तनेशबाज बाजकी रोचक कोहली साजिद वाजिद आर ने सत्य में जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की शुद्ध कमाई की इस प्रकार जो अब्राहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया संजू रेस थ्री गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पांचवी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में क्रमशः 79.2 मिलियन 19.3 मिलियन और नाइनटीन करोड़ और टेन करोड़ का शुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की व... 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का आजीवन संग्रह वन थाउजेंड एटी टू पॉइंट वन मिलियन है जिसमें 887.2 हंड्रेड सेवन पॉइंट टू मिलियन का शुद्ध कुल संग्रह शामिल है इसने अपने पूरे दौर में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की थी सतम जेते का विश्व अपी वन पॉइंट जीरो एट बिलियन था जन अब्रह्म और दिव्या खोसला कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाने के बाद स्वीकल की पुष्टि की गई यह मिलन मिलाप जाफेरी द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिसा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी द्वारा निर्मित होगी सत्यमय जेते टू शीर्षक से तेरह मई दो को रिलीज होने वाली थी अप्रैल दो तक कोविड नाइन्टीन मामलों में वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को स्थगित कर दिया गया फिल्म आखिर पच्चीस नवंबर दो को रिलीज हुई मिलन मिलाप जफेरी ने सत्यमेव जयते नामक फिल्म उस दर्शक वर्ग के लिए बनाई है जो बड़े पर्दे पर सिर्फ माराकूटी देखना पसंद करते हैं उसे कहानी अभिनय निर्देशन या लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्यमेव जयते में मिलन निर्देशक और लेखक के रूप में कुछ भी नया नहीं दे पाए सत्तर और अस्सी के दशक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बचपन को खूब दिखाया जाता था पिता को ईमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चौराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्य में जैते में दोहराया गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बी रानी जॉन अब्राहम यंगरी यंग मैन है वह भ्रष्ट पुलिसकर्मी को चुन चुनकर जला देता है पुलिस विभाग में हलचल मच जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवान यानी मनोज वाजपेयी को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुश्मन को ढूंढ निकाले बीर को जब यह पता चलता है तो वह सिवान्स को फ़ोन लगाकर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनौती देता है सिवान्स के साथ एक सूत्र लगता है जिससे वह उसको पकड़ने के करीब पहुंच जाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्याएँ क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलू यह है कि जब यह राज खुलता है कि वीर हत्या क्यों कर रहा है तो तो उस घटना में और वीर द्वारा दी गई हत्याओं में कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता वीर को जब पता था कि उसका दुश्मन कौन है तो उसी आदमी को खत्म कर सकता था वह ढेर सारे पुलिस ऑफिसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोड़ने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी लॉजिक के हिसाब से सही नहीं है शुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लॉजिक का साथ छूटने लगता है तो फिल्म का ग्राफ नीचे की ओर तेज़ी से आने लगता है और आखिरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुचि नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस ऑफिसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है सारेआम पेट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुसकर वह अपना काम कर जाता है दूसरी ओर शिवानस को काबिल पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है लेकिन वह असहाय ही नज़र आता है बीर का शिवानश को फ़ोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टक्कर दिखानी थी इसलिए बात डाल दी गई मिलन मिलाप जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं, उन्हें स्टाइलिश बनाया जाए भले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल संवादों का है सीन में किसी भी तरह संवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्शन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालांकि इनमें कई इनमें नई बात नहीं है लेकिन जॉन अब्राहम को एक्शन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अब्राहम का चेहरा पूरी फिल्म में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पोल खुल जाती है मनोज बाजपेयी अब एक जैसा अभिनय करने लगे हैं बागी टू का ही एक्सटेंट सत्य में में नज़र आता है नई हीरोइन आयशा शर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फ़िल्म में एक हीरोइन होना चाहिए आयशा का अभिनय निराशाजनक है सत्य में के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी ज़माने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्षय कुमार और जॉन अब्रहम अब अक्रम सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि वेलकम फ्रेंचाइजी में अक्षय की जगह जॉन के लेने के बाद से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है आखिरी बार फिल्म डिसोम में एक साथ नज़र आए दोनों कलाकार देसी बॉयज क्रम मसाला और हाउसफुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बल्कि आमने सामने थे जहाँ अक्षय कुमार हॉकी खिलाड़ी और कोच तपन दास की बायोपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के पास सत्य में जाते थे इस फिल्म की कहानी बेहद सरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को झूठे करप्शन के आरोप में फंसकर आत्महत्या करते देखने वाले वीर अन्य जॉन अब्रह का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौजूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिंदा जलाकर वो सत्य की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डी सी पी सुहास ने मनोज बाजपेयी को काम पर लगाया जाता है और चूहे बिल्ली के खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मिलन मिलाप जाफेरी पहले इससे पहले मस्ती ग्रैंड मस्ती और एक विलन जैसी फिल्में बना चुके हैं ऐसे में देशभक्ति के साथ उनका ये एक्सपेरिमेंट हैरत करता है हालांकि देशभक्ति फिल्मों के एक्सपर्ट मनोज बाजपेई, एल ओ सी कारगिल नाम सवाना अयारी स्पेशल छब्बीस और जॉन अब्राहम मद्रास कैफे परमाणु फोर्स इस फिल्म में मौजूद हैं आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप नाइन्टीज़ के एक्शन सिनेमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मोल प्लॉट में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इस बैग का हैंग और आपको दिखाई देगा लेकिन क्योंकि मिलन ने ए, मिलन को इससे पहले देशभक्ति फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फ़िल्म बिखरने लगती है फिल्म में नोरा फतेह का दिल गाना अपना काम ठीक से करता है और इस गाने को वो सुपर हिट सुपर हॉट अवतार में है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हालांकि जॉन और मनोज बाजपेयी के डायलॉग शिटी बजाने लायक हैं और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा का मसल पावर आपको कल के जिम के लिए प्रेरित करता है मनोज बाजपेई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमज़ोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा ख़राब नहीं होने देते जहाँ हा जहाँ जॉन एक्शन में हिट हैं मनोज बाजपेई परजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेब्यू कर ही आशा शर्मा अच्छा अभिनय करती हैं और अपने किरदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है फिल्म की प्रडिक्टेबल कहानी हालांकि फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है और अगर आपको परमाणु अच्छी लगी थी तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हालांकि अगर आप लॉजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो यह फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मारधाड़ से भरपूर एक एक्शन ड्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कॉन्सेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डायरेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर बेस्ड है बीरानी जॉन अब्रह एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बीर पुलिस वालों को जलाकर मारता है और मारने के बाद उनका इसकेस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डीसीपी सी पी यानी मनोज बाजपेयी को यह केस दिया जाता है शिवंश किलर को पकड़ने की कोशिश करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है वीर के किलर बनने के पीछे की कहानी भी है डीसीपी सी पी राठौड़ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो किलर के माइंड में चलते वा, चलने वाले प्लान को क्रैक कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भूल गए हैं इस फिल्म के साथ यही इशू है इसकी शानदार शुरुआत होती है और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत ख़राब हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा ख़राब क्या है फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिग्नेचर डायलॉग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डायलॉग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरियसली लेना इम्पॉसिबल है जॉन अब्राहम हमेशा की तरह समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैवी मसल्स और एटीट्यूड के अलावा वह किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं लगते हैं वे स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभिनय करते हुए दिखते हैं कहानी में हीरोइन सिखा यानी आयशा शर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वह जानवरों की केयर करती है बीच को साफ करती है एन में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आयशा शर्मा ने अच्छा काम किया है मनोज बाजपेयी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है लेकिन फिल्म की बेवकूफ़ियाँ उनके शानदार अभिनय पर भारी पड़ती है अमृता खनवीकर जिन्होंने शिवानश की पत्नी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके अलावा आतिफ असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रैक है बाकी के एल्बम का म्यूजिक भी शूदिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना करें परमाणु की सफलता पर सवार जॉन अब्राहम अब एक्शन थ्रिलर सत्यमेव जयते के साथ हाज़िर थे गुस्से से भरा बैठा एक शख्स कैसे अकेले दम पर करप्शन के खिलाफ लड़ता है इसे सत्यमेव जयते में दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्यमेव जयते सत्यता से मीलो दूर दिखाई देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और अस्सी के दशक की फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की शुरुआत में बीर निजॉन अब्रह एक पुलिस वाले को जिंदा जला देता है और इस घटना के बाद ही फिल्म का प्लाट तैयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठिकाने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर आधारित है फिल्म में जॉन अब्राहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम वीर है और वह एक आर्टिस्ट है वो भ्रष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका स्केच भी बनाता है वीर हर उस जगह पुलिस वाले की जान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिप्त है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर शिवानस यानी मनोज बाजपेयी को दिया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देशभक्ति के कई पाठ पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे बरसों पुराने कॉन्सेप्ट को बेचने की कोशिश में यह फिल्म बेहद नाटकीय लगती है फिल्म की कहानी आज के दौर में प्रासंगिक है लेकिन लचर स्क्रिप्ट और कमर्शियल अंदाज के चलते यह फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है हालांकि जॉन कई एक्शन सीक्वेंस में प्रभावित करते हैं टायर फाड़ते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई है मनोज बाजपेयी इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दृढ़ और अपने दमदार डायलॉग से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आयशा शर्मा कैमरे पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई हैं फिल्म परमाणु के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षय कुमार की राह चलने वाले जौन अब्रह्म अब मसाला देशभक्ति फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलीवरी और एक्शन मसाला फिल्म काफ़ी पसंद हैं तो यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान्य है संवादों को काफ़ी दमदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वजह से कहानी सुनते वक्त सिलसिलेवार घटनाएं देखना दिलचस्प हो जाता है फिल्म का एक्शन दर्ज जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्शन और संवादों को दर्शाया गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से चलती है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है मनोज बाजपेयी एक बार फिर से दमदार एक्टिंग करते नज़र आते हैं वही एक्शन के लिए मशहूर जॉन अब्राहम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजर आते हैं मनीष चौधरी और आयशा शर्मा का, का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा से ही एक मसाला फ़िल्म को संपूर्ण एंटरटेनर माना जाता है हालांकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दों पर आधारित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार छाई रही लेकिन इस दौर में फ़िल्मकार भूल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफ़ी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मात्रा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शियल मसाला फ़िल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर्ण मसाला फिल्म सत्यमेव जयते के रूप में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्शन के लिए जॉन अब्राहम हैं अभिनय के लिए मनोज बाजपेयी हैं आइटम सॉन्ग के लिए नौराफते ही हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने का भारतीयों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्य में जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित हरो निजाना अब्राहम हर कथित मुजरिम को माचिस की तिलिया सुलगाते हुए जिंदा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ति के कुछ पाठ पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डायलॉग्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पड़ रहे हैं मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम के किरदार की लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था लेकिन स्क्रिप्ट इस इसमें फेल हो गई सत्य में जैते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अति नाटकीय प्रदर्शन के कारण इसमें हजमा ख हजमा करना मुश्किल हो जाता है अब्राहम के होने की वजह से आप इसमें अच्छे एक्शन की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन कभी कभी कभी, कभी यह काफ़ी भयानक हो जाता है सच यह है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमजोर बनाता है सत्य में देशभक्ति और सोशल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटरटेनर जरूर है आज भी एक बड़ी ऑडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी जेब ढीली करती है इसके अलावा लंबे वीकेंड का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में यदि आप मसाला एंटरटेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्शन और इसे बढ़ावा दे रहे सिस्टम से की जा रही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्य में जैसे रिलीज हो गई थी फिल्म एक्शन से भरपूर थी फिल्म की शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंट्रोल के बाद ये फिल्म आपको बोझिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है वीर अनी जौन अब्रह एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे वीर के पिता को एक झूठे करप्शन के केस में फंसा दिया जाता है जिसके कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं अपनी आंखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद वीर की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बीर करप्शन पर करप्शन कर रहे पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डीसीपी सी पी मनोज बाजपेयी की एंट्री और तभी शुरू होता है लुका छिपी का एक खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किए जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं वही अगर बात करें मनोज बाजपेयी की तो हर बार की तरह है, एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद मनोज बाजपेयी की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्ट्रेस आयसद शर्मा ने अपने किरदार को बाखूबी निभाया है डायरेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्शकों पर बहुत अच्छे छाप छोड़ते नज़र नहीं आते हैं फिल्म काफ़ी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नोरा फतेही का अवतार लोगों को काफ़ी पसंद आया था फिल्म के डायलॉग अच्छे लिखे गए थे खास करके हम बात करें जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के डायलॉग की तो आपको शेरटी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो यकीन ये फिल्म आपके लिए है फ़िल्म की सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रिप्ट इस फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्य में जतें मिलाप मिलन जाफेरी द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 के की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है सीरीज द्वारा निर्मित और वितरित फिल्म शूट आउट एट वाडरा जो कि 2013 में आई थी के बाद जॉन अब्राहम और वाजपेई के बीच दूसरे सहयोग को यह चिन्हित करती है इसको निर्देशित किया था मिलन मिलाप जाफेरी ने यह लिखी गई थी मिलन मिलाप जाफेरी के द्वारा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और बाज की रोचक कोहली और को प्रभु मुखर्जी में इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संजय चौधरी ने इस फिल्म का बजट था अड़तीस करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 110 करोड़ रुपए सत्य में जयते के लिए मुख्य फोटोग्राफी 5 मार्च 2018 को शुरू हुई थी यह 15 अगस्त 2018 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वैश्विक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी पच्चीस सौ स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और अक्षय कुमार अभिनेत्री रीमा कागती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ड से टकरा गई फिर भी सत्यमेव जयते को दर्शकों ने खूब सराहा और ए रेटेड फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन uh, सतमें जैते टू एक स्वीकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतर्क वीरेंद्र यानी वीर राठौड़ की है जो पुलिस अधिकारियों को मारता है एक ईमानदार पुलिस अधिकारी सुवानस राठौड़ को वीर का शिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब शरीर की गिनती बढ़ने लगती है वीर एक पेंटर और चौकीदार है जो भ्रष्ट पुलिस वालों को आग लगाकर मारता है अपनी पहचान उजागर किए बिना वह वह भ्रष्ट भ्रष्टाचारियों का सफाया करने के लिए जनता का समर्थन हासिल करता है और शिखा नामक पशु चिकित्सक के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाता है बढ़ती लाशों की संख्या से चिंतित और अन्य पुलिस को भयभीत देखकर आयुक्त मनीष शुक्ला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए एक ईमानदार अधिकारी सिवांस को बुलाया आवाज़ बदलने वाले एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए वीर सिवांस को फोन करता है और एक भ्रष्ट अधिकारी को जान से मारने की धमकी देता है सिवांस को विश्वास दिलाया जाता है कि एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है जबकि वीर एक पेट्रोल पंप पर लक्षित भ्रष्ट पुलिस वाले को लड़ाता को से लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवान्स आगे की जांच शुरू करता है और हत्या के पैटर्न को सत्य में अनुसार होने का पता चलता है और अगला लक्ष्य वाई अक्षर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवान्स और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी शुरू करती है लेकिन वे हत्यारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं एक पुलिस वाले के रूप में प्रचन्न पुले वीर पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है और एक भ्रष्ट पुलिस वाले को प्रताड़ित करता है निर्दोष संदिग्ध उसके आग लगाने के बाद शिवान्श चीख सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए स्टेशन पहुंचता है वीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में शिवान्श को उसके घर पर मिलता है जहां वे दोनों भाई होने का खुलासा करते हैं वीर और शिवांश अस्पताल जाते हैं जहां जला हुआ अधिकारी जिंदा पाया जाता है बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से कमरे में घुस जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है सारन बजने की आवाज सुनकर सुवानश कमरे में आता है और दरवाजा खोलते ही एक बिस्फोट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लौटता है खुद को घायल पाता है और पीछे से हत्यारे द्वारा हमला किए जाने का नाटक करता है बाद में शिवानस सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को एक सुरक्षित घर में इकट्ठा करता है लेकिन वीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और शिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खून से लथपथ कर लिया और एक भ्रष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सार्वजनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद शिवानश उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर द्वारा बंदूक की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है शिवान्श तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुरुषों की पेंटिंग जो मारे गए अधिकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांश वीर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिश्नर शुक्ला के साथ शिवानस को बीर ने उसी स्थान पर बुलाया जहाँ उसके पिता की मृत्यु हुई थी शुक्ला की बेटी होने का खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है वीर द्वारा शुक्ला द्वारा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुभाष चौंक जाता है कि उसने अपने पिता को फंसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिश्वत देने की अनुमति नहीं दी थी वीर ने खुद को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया पहले इससे पहले कि शुक्ला ने भाइयों को खत्म करने के लिए अपने पुलिस की सेना को बुलाया आगामी लड़ाई में वीर ने पुलिसकर्मियों को मार डाला और शुक्ला को किनारे कर दिया रोकने के कई अनुरोधों के बाद एक अनिच्छुक सिवान शुक्ला को मारने से पहले वीर को गोली मार देता है हालांकि शुक्ला के शरीर पर डाले गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी ताजा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिखा है सत्य में उजैते एक मरता हुआ वीर उसे जलाता है और शुक्ला को आगे लगाकर आग को आग लगाकर मार देता है शिवांश और सिखाता बीर के पास जाते हैं जो शिवांश को उनके पिता द्वारा सिखाई गई शपथ सुनाने के लिए कहता है वह उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर शिवानस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगस्त दो को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षय कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज़ हुई थी जिसे भारत में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पानियोसा और तजदार ए हराम गाने रिलीज से पहले ही हिट हो गए थे जबकि दिलबर साल का ब्लॉकबस्टर गीत बन गया था फिल्म के लिए संगीत साजिद वाजिद तनिष बागची रोचक कोहली और आरको प्रभु मुखर्जी द्वारा रचित थे जबकि गीत शब्बीर अहमद कुमार आरको प्रभु मुखर्जी दानिश साबरी और इक्का द्वारा लिखे गए थे बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी द्वारा रचित था फिल्म का पहला गीत 1999 की नाँटी 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 फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मूल रूप से अलका अलकायनिक द्वारा गाया गया और नदीम सरोल द्वारा रचित इस फिल्म के लिए तनिष के द्वारा नेहा का कर द्वारा गाना गाया गया था धोनी बंशाली और इक्का की आवाज़ में बनाया गया है यह 4 जुलाई दो को रिलीज किया गया था मध्य पूर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुनः कल्पना की गई और इसे संगीत वीडियो में नूरा फतेही ही ने बेली डांस किया यह गीत गीत के साथ सभी संस्करणों अरबी भाषा सहित साथ लोकप्रिय हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बाद यूट्यूब पर बिलियन व्यूज इस पे इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गीत सा जिसे आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने गाया था 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मूल रूप से साबरी बदल द्वारा रचित और गाया गया था जिसे छब्बीस जुलाई दो हज़ार अठारह को वाजिद खान द्वारा फिर से बनाया गया और गाया गया था चौथा अंतिम गीत तेरे जैसा जिसे आरको प्रभु मुखर्जी और तुलसी द्वारा गाया गया था एक अगस्त को रिलीज किया गया था दो हज़ार अठारह सॉन् ट्रैक एक अगस्त दो हजार अठारह को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिल भर पानियो सा तजदार ए हरम तेरे जैसा जिसे गाया था तनेशबाज की रोचक कोहली साजिद वाजिद आरको ने सत्य में ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की शुद्ध कमाई की इस प्रकार जोन अब्राहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया संजू रेस थ्री गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पांचवी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में क्रमशः 79.2 मिलियन 19.3 मिलियन और नाइनटीन करोड़ और टेन करोड़ का शुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की व... फाइव मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का आजीवन संग्रह वन थाउजेंड एटी टू पॉइंट वन मिलियन है जिसमें 887.2 हंड्रेड सेवन पॉइंट टू मिलियन का शुद्ध कुल संग्रह शामिल है इसने अपने पूरे दौर में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की थी सत्य विजेता का विश्व अपी 1.08 वन पॉइंट जीरो बिलियन था जन अब्रह्म और दिव्या खोसला कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाने के बाद शुक्ल की पुष्टि की गई यह मिलन मिलाप जा द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी द्वारा निर्मित होगी सत्यमा जेते टू शीर्षक यह तेरह मई दो को रिलीज होने वाली थी अप्रैल दो तक कोविड नाइन्टीन मामलों में वृद्धि के कारण फिल्म की रिलीज़ की तारीख को स्थगित कर दिया गया फिल्म आखिर पच्चीस नवंबर दो को रिलीज हुई मिलन मिलाप जफेरी ने सत्यमेव जयते नामक फिल्म उस दर्शक वर्ग के लिए बनाई है जो बड़े पर्दे पर सिर्फ माराकूटी देखना पसंद करते हैं उसे कहानी अभिनय निर्देशन या लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्यमेव जयते में मिलन निर्देशक और लेखक के रूप में कुछ भी नया नहीं दे पाए सत्तर और अस्सी के दशक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बचपन को खूब दिखाया जाता था पिता को ईमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चौराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्य में जयते में दोहराया गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो वीर यानी जॉन अब्रह यंगरी यंग मैन है वह भ्रष्ट पुलिसकर्मी को चुन चुनकर जला देता है पुलिस विभाग में हलचल मच जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवान यानी मनोज वाजपेयी को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुश्मन को ढूंढ निकाले बीर को जब यह पता चलता है तो वह शिवानश को फ़ोन लगाकर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनौती देता है शिवानश के साथ एक सूत्र लगता है जिससे वह उसको पकड़ने के करीब पहुंच जाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर यह हत्याएँ क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलू यह है कि जब यह राज खुलता है कि वीर हत्या क्यों कर रहा है तो तो उस घटना में और वीर द्वारा दी गई हत्याओं में कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता वीर को जब पता था कि उसका दुश्मन कौन है तो उसी आदमी को ख़त्म कर सकता था वह ढेर सारे पुलिस ऑफिसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोड़ने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी लॉजिक के हिसाब से सही नहीं है शुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लॉजिक का साथ छूटने लगता है तो फिल्म का ग्राफ नीचे की ओर तेज़ी से आने लगता है और आखिरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुचि नहीं रह जाती वीर के लिए बड़े पुलिस ऑफिसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है सारेराम पेट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुस कर वह अपना काम कर जाता है दूसरी ओर शिवानश को काबिल पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है लेकिन वह असहाय ही नजर आता है का शिवानश को फ़ोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टक्कर दिखानी थी इसलिए बात डाल दी गई मिलन मिलाप जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं, उन्हें स्टाइलिश बनाया जाए भले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल संवादों का है सीन में किसी भी तरह संवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्शन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालांकि इनमें कई इनमें नई बात नहीं है लेकिन जॉन अब्राहम को एक्शन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अब्राहम का चेहरा पूरी फिल्म में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पोल खुल जाती है मनोज बाजपेयी अब एक जैसा अभिनय करने लगे हैं बागी टू का ही एक्सटेंट सत्य में ज्योत में नज़र आता है नई हीरोइन आयशा शर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फ़िल्म में एक हीरोइन होना चाहिए आयशा का अभिनय निराशाजनक है सत्य में के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम अब क्रमशः सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि वेलकम फ्रेंचाइजी में अक्षय की जगह जॉन के लेने के बाद से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है आखिरी बार फिल्म में एक साथ नजर आए दोनों कलाकार देसी बॉयज क्रम मसाला और हाउसफुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बल्कि आमने सामने थे जहाँ अक्षय कुमार हॉकी खिलाड़ी और कोच तपन दास की बायोपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के पास सत्य में जाते थी इस फिल्म की कहानी बेहद सरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को झूठे करप्शन के आरोप में फंसकर आत्महत्या करते देखने वाले वीर अन्य जॉन का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौजूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिंदा जलाकर वो सत्य की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डीसीपी सी ने मनोज बाजपेयी को काम पर लगाया जाता है और चूहे बिल्ली के खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मिलन मिलाप जाफेरी पहले इससे पहले मस्ती ग्रैंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्में बना चुके हैं ऐसे में देशभक्ति के साथ उनका ये एक्सपेरिमेंट हैरत करता है हालांकि देशभक्ति फ़िल्मों के एक्सपर्ट मनोज बाजपेयी एल ओ सी कारगिल नाम सवाना अयारी स्पेशल छब्बीस और जॉन अब्राहम मद्रास कैफे परमाणु फोर्स इस फिल्म में मौजूद हैं आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप नाइन्टीज़ के एक्शन सिनेमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मोल प्लॉट में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इस बैग का हैंग और आपको दिखाई देगा लेकिन क्योंकि मिलन ने ए, मिलन को इससे पहले देशभक्ति फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फ़िल्म बिखरने लगती है फिल्म में नोरा फतेही का दिल गाना अपना काम ठीक से करता है और इस गाने को वो सुपर हिट सुपर हॉट अवतार में हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हालांकि जॉन और मनोज बाजपेयी के डायलॉग सीटी बजाने लायक हैं और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा का मसल पावर आपको कल के जिम के लिए प्रेरित करता है मनोज बाजपेई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमज़ोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा ख़राब नहीं होने देते जहाँ हा जहाँ जॉन एक्शन में हिट हैं मनोज बाजपेई परजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेब्यू कर ही आशा शर्मा अच्छा अभिनय करते हैं और अपने किरदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है फिल्म की प्रडिक्टेबल कहानी हालांकि फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है और अगर आपको परमाणु अच्छी लगी थी तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हालांकि अगर आप लॉजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ये फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मार धाड़ से भरपूर एक एक्शन ड्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कॉन्सेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डायरेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर बेस्ड है बी रानी जोनब्रह एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जलाकर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डीसीपी सी पी यानी मनोज बाजपेयी को यह केस दिया जाता है शिवानश किलर को पकड़ने की कोशिश करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बीर के किलर बनने के पीछे की कहानी भी है डीसीपी सी राठौड़ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो किलर के माइंड में चलते वा, चलने वाले प्लान को क्रैक कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भूल गए हैं इस फिल्म के साथ यही इशू है इसकी शानदार शुरुआत होती है और एक पॉइंट पर पहुँचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत ख़राब हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा ख़राब क्या है फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिग्नेचर डायलॉग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डायलॉग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरियसली लेना इम्पॉसिबल है जॉन अब्राहम हमेशा की तरह समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैवी मसल्स और एटीट्यूड के अलावा वह किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं लगते हैं वह स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभिनय करते हुए दिखते हैं कहानी में हीरोइन सिखा यानी आयशा शर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वह जानवरों की केयर करती है बीज को साफ करती है एन में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आयशा शर्मा ने अच्छा काम किया है मनोज बाजपेई ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है लेकिन फिल्म की बेवकूफ़ियाँ उनके शानदार अभिनय पर भारी पड़ती है अमृता खनवीकर जिन्होंने शिवानश की पत्नी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके अलावा आत आतिफ असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रैक है बाकी के एल्बम का म्यूजिक भी सूदिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना करें परमाणु की सफलता पर सवार जॉन ब्रह्म अब एक्शन थ्रिलर सत्यमेव जयते के साथ हाजिर थे गुस्से से भरा बैठा एक शख्स कैसे अकेले दम पर करप्शन के खिलाफ लड़ता है इसे सत्यमेव जयते में दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्यमेव जयते सत्यता से मीलों दूर दिखाई देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और अस्सी के दशक की फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की शुरुआत में बीर जॉन अब्रहम एक पुलिस वाले को जिंदा जला देता है और इस घटना के बाद ही फिल्म का प्लाट तैयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठिकाने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर आधारित है फिल्म में जॉन अब्राहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वह एक आर्टिस्ट है वो भ्रष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका स्केच भी बनाता है वीर हर उस जगह पुलिस वाले की जान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिप्त है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवान्स यानी मनोज बाजपेयी को दिया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देशभक्ति के कई पाठ पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे बरसों पुराने कॉन्सेप्ट को बेचने की कोशिश में यह फिल्म बेहद नाटकीय लगती है फिल्म की कहानी आज के दौर में प्रासंगिक है लेकिन लचर स्क्रिप्ट और कमर्शियल अंदाज के चलते यह फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है हालांकि जॉन कई एक्शन सीक्वेंस में प्रभावित करते हैं टायर फाड़ते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई है मनोज बाजपेयी इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दृढ़ और अपने दमदार डायलॉग से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आयशा शर्मा कैमरे पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई हैं फिल्म परमाणु के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षय कुमार की राह चलने वाले जौन अब्रहम अब मसाला देशभक्ति फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलीवरी और एक्शन मसाला फिल्में काफ़ी पसंद हैं तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान्य है संवादों को काफ़ी दमदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वजह से कहानी सुनते वक्त सिलसिलेवार घटनाएं देखना दिलचस्प हो जाता है फिल्म का एक्शन दर्ज जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्शन और संवादों को दर्शाया गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से चलती है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है मनोज बाजपेयी एक बार फिर से दमदार एक्टिंग करते नजर आते हैं वही एक्शन के लिए मशहूर जॉन अब्राहम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजर आते हैं मनीष चौधरी और आयशा शर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा से ही एक मसाला फिल्म को संपूर्ण एंटरटेनर माना जाता है हालांकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दों पर आधारित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार छाई रही लेकिन इस दौर में फ़िल्मकार भूल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफ़ी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मात्रा में डाले जाने चाहिए इसीलिए कमर्शियल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर्ण मसाला फिल्म सत्यमेव में के रूम में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्शन के लिए जॉन अब्राहम हैं, अभिनय के लिए मनोज बाजपेयी हैं आइटम सॉन्ग के लिए नौराफते ही हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने का भारतीयों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्य में ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित हरुआ निजाना अब्राहम हर कथित मुजरिम को माचिस की तिलिया सुलगाते हुए जिंदा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ति के कुछ पाठ पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डायलॉग्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पड़ रहे हैं मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम के किरदार की लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था लेकिन स्क्रिप्ट इस इसमें फेल हो गई सत्य में जैते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अति नाटकीय प्रदर्शन के कारण इसमें हजमा खजमा करना मुश्किल हो जाता है जॉन अब्राहम के होने की वजह से आप इसमें अच्छे एक्शन की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 यह काफ़ी भयानक हो जाता है सच यह है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमजोर बनाता है सत्य में जैसे देशभक्ति और सोशल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ यह फिल्म मसाला एंटरटेनर जरूर है आज भी एक बड़ी ऑडियंस मसाला फिल्म